Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off, I am drunk. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old thinking, oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Remember how you held me then? Now you got me reaching out, out. And do you see you got me falling in more times than I can get out?
Do you see you got me falling in? More times than I can get out. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in there. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream.
सो वेल हेलो एवरीबॉडी, सो गाइस हमारा फर्स्ट मैच स्टार्ट हो चुका है 54 प्लेयर्स की लॉबी एंड ओनली 15 टीम्स है। लॉबी काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली ख़राब हमें आज देखने को मिल रही है। प्लेन पाथ में बात करें अल अजहर से लेके एल पोजो तक का बनता हुआ दिखा दे रहा है। प्लेन पाथ में हासियांडर डेल पेट्रोन, अल अजहर, सैन मार्टिन, पावर ग्रिड, एल पोजो, सतर पावर ग्रिड के साथ साथ हमें क्रूज डेलवाल एंड वाटर ट्रीटमेंट भी देखने को मिल रहा है। सो हॉर्डर ऑफ फाइट्स बिल्कुल हमें टीम्स के बीच में देखने को मिलेंगे, गन फाइट्स भी देखने को मिलेंगे एंड रोटेशनल फाइट्स भी शायद देखने को मिल सकते हैं। सुबह जाते हैं मॉन्टी नोवो में आई थी हमें क्लैश बिल्कुल देखने को मिल रहा है। स्क्वाड में 17 की बस बात करें, स्क्वाड में 17 का अभी क्लैश डुओ ही खेल रहा है, तो आई डोंट थिंक अभी स्क्वाड में 17 के प्लेयर्स के बीच हमें फाइट्स यहाँ देखने को मिल सकता है। बट लेट्स सी गाइस, जो भी सीनरी रहता है आपको बिल्कुल स्ट्रीम में देखने को मिलेगा। सो गाइस बात करते हैं, एक बार हम लोग नज़र बना लेते हैं टीम्स के बीच में, बिकला में कहीं भी किसी भी टीम के बीच में क्लैश देखने को नहीं मिल रहा। सो ऑब्वियसली मैं क्या ही बोलूँ यार, मैं ऐसे तो कुछ बोल नहीं सकता, अगर फाइट ही नहीं हो रही है सो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। स्क्वाड में टेंक वैसे बिकले में अल अजहर यहाँ थोड़ा बहुत लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी बहुत यहाँ लूट कैपिटलाइज कर लेंगे, उसके बाद ही मैं फाइट्स देते हुए दिखाई देंगे स्क्वाड में 10 के प्लेयर्स। अरे भाई माइक से कैसे आवाज आ रही है। ओके माइक से कैसी फालतू गेम, बिल्कुल वही तो फालतू गेम ब्रो, वही मैं कह रहा हूँ। लिटरली 1% का कास्ट का, अब देखो भाई 50 बंदों की लॉबी में कौन मेरा मार खेलता है, कौन लिटरली 50 बंदों की लॉबी में लिविक भी कोई ना खेलना चाहे भाई, 50 बंदों की लॉबी में मैच कैंसिल हो जाता है। चलो बट ये टूर्नामेंट है, मैच कैंसिल नहीं हो सकता, बट यार एटलीस्ट लिविक लगा लो भाई, मतलब मेरा मारी लगाना था, अब पता नहीं किस समझदार बंदे ने लगाया भाई, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, पता नहीं इतना मूड ख़राब होगा, मैं क्या करूँगा भाई। 35 मिनट इनकी टीम के फाइट बीच देखने में 5-5 मिनट लग जाएंगे एक टीम के फाइट देखने में। फालतू गेम तो है ही भाई बिल्कुल यार,
मतलब खुद सोचो भाई, 50 बंदों के प्लेयर्स के टीम के बीच में ना लिविक लगता है। चलो लिविक नहीं खेलना था भाई, सैनोक ही लगा दो यार। बट लिटरली भाई मेरा मार ना 80-90 बंदों की लॉबी में लगता है, मिनिमम 75 प्लेयर्स की लॉबी में। कोई बात नहीं, बताऊँ दिक्कत क्या है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह कि स्ट्रीम पे मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। स्ट्रीम पे जनता देखेगी नहीं, जनता चली जाएगी सारी। अगर फाइट ही नहीं हो रही तो मैं क्या दिखाऊंगा? बंदों का भगना दिखाऊंगा? ये बंदा अभी देखो बीस्ट उजी उठा रहा है, ये दिखाऊं कि बीस्ट ने उजी उठा लिया है, अभी के लिए शॉटगन उठा लिया बीस्ट ने? अब ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ यार मैं, कास्टर हूँ। कास्टर क्या बोलता है? फाइट्स होती है, रोटेशंस होती है, जब कहीं कुछ होगा ही नहीं तो मैं क्या बोलूँगा? लिटरली गुस्सा भी आ रहा है भाई। 35 मिनट जिसे कहता ना वेस्ट हो गए, पूरा का पूरा 35 मिनट पानी में गए। ये वाला गेम 25 मिनट में ख़त्म था, 25 मिनट में। सच में भाई मैं क्या किस बोल भी तो नहीं सकता भाई, लिटरली 25 मिनट के गेम को ना 25 मिनट का भी नहीं था, 20 मिनट में ख़त्म हो जाता लिविक। इंटेंस, अरे भाई प्लेयर्स को भी इंटेंसिटी मिलती यार लॉबी में, एटलीस्ट प्लेयर भी खेल पाते। अभी के लिए 15 मिनट आराम से प्लेयर्स लूट करेंगे, उसके बाद एंड में एक दो फाइट लेंगे, चिकन है ख़त्म। ना टीम्स को इंटेंसिटी मिल रही है क्या यार? दिक्कत तो ये, अब सारे जो लोग आ रहे हैं स्ट्रीम देखने वो भी चले जाएंगे भाई। बिल्कुल यार ऐसा करना ही नहीं था लिटरली। मतलब यार 50 बंदों की लॉबी है, लिविक लगाओ। बट मिरामर भाई, मिरामर 70-90 प्लेयर्स की लॉबी में लगता है। अब मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं, देखो भाई मैं क्या बोलूँगा? कोई बैठ कौन रुकेगा भाई स्ट्रीम पे? कोई अपने टीम्स, कोई कास्टिंग देखने आता है, मैच देखने आता है, फाइट अब फाइट ही नहीं होंगे आधे घंटे तक तो मैं क्या दिखाऊंगा, क्या बोलूँगा मैं? क्या यार लिविक रहता ना, इतनी इंटेंसिटी रहती हर 30 सेकंड, हर एक मिनट में, क्योंकि 20 मिनट का मैच होता है, हर 2 मिनट, हर एक मिनट में एक टीम की फाइट हो रही होती है, हर एक टीम वाइप आउट हो रही होती है एक एक दोनों मिनट में, उसे कहते हैं इंटेंसिटी। अब 50 बंदों में भाई मेरा मन में क्या फाइट होगी? मैंने बोला भी था भाई ये कर दो, बट कुछ हुआ ही नहीं। खेलो भाई अब ये खेलो। एक प्लेयर ने अपने आप को ही नेट से फोड़ लिया वाह। स्क्वाड नंबर 8 की बात करें तभी ने गॉड ने अपने आप को ही नेट से नॉकआउट दिला। लग रहा है गॉड भी मेरे तरह काफ़ी ज़्यादा है, बोर हो रहे होंगे तो मतलब बोर होने हो, मतलब गॉड को पता है भाई लॉबी के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बोर हो रहे थे तो उन्होंने अपने आप को ही अभी के लिए नेट से ब्लास्ट कर लिया। बात करें अभी के लिए एक नॉकआउट फाइनली हमें आज देखने को मिला। चलते हैं जैसे जंगली स्पोर्ट्स के बस वो उसे स्क्वाड नंबर 30 मत कर गाइस। जंगल का अभी चीता को स्पॉइडी ने नॉकआउट दे दिया है। स्क्वाड नंबर 13 के स्पॉइडी ने एक नॉकआउट निकाला एंड वो स्क्वाड नंबर 4 के प्लेयर्स के ऊपर मैं यहाँ स्लैम इन करते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बात करें स्पॉइडी यहाँ जंगली टाइगर को, बिल्कुल बिल्कुल स्पॉइडी ने एक जंगली टाइगर को बहुत ही बार नॉकआउट दिया। जंगली के सॉरी बात करें जंगल के यहाँ टाइगर एंड चीता को फिनिश ऑफ भी कर दिया। ईगल आ रहा है अपने टीममेट्स को बचाने के लिए। लेट्स सी स्पॉइडी वर्सेस ईगल, वन वर्सेस वन कट है। स्पॉइडी के अभी क्लाइम 50 एचपी रखे। लेट्स यहाँ बात करें अभी क्लाइम उस बात कर रहे थे स्पॉइडी को, बिल्कुल बिल्कुल स्पॉट आउट कर बाय ईगल। स्पॉइडी थोड़ा बहुत बात करें गाइस ईगल के पास M249 है, वन वर्सेस वन कट। स्पॉइडी के पास अभी के लिए 40 एचपी है, डिसएडवांटेज है स्पॉइडी के पास। मतलब ईगल ने क्लोजिंग कर दिया, स्पॉइडी ने ईगल को भी नॉकआउट कर दिया। स्पॉइडी ने वन वर्सेस थ्री कट किया। लेट्स सी क्या निकला, 1v4 अगेंस्ट जंगल के प्लेयर्स। बेटा अभी बात करें जंगल के लास्ट बंदर ना के स्पॉइडी को नॉकआउट एंड फुल फिनिश आउट कर दिया। बेटा मतलब स्क्वाड नंबर 13 के स्पॉइडी ने स्क्वाड नंबर 4 के टाइगर एंड ईगल को फुल नॉकआउट दिया एंड चीता को फुल फिनिश आउट भी कर दिया। स्पॉइडी का काफी ज्यादा बेहतरीन हमें गेम प्ले देखने को मिला। चलो भाई इस बोरिंग गेम में एक फाइट तो कम से कम देखने को मिला। अब एक फाइट देखने को मिली है वो भी 10 मिनट में, लिटरली 10 मिनट में। एंड अब दूसरी फाइट भी आई डोंट नो 5-6 मिनट बाद ही देखने को मिली थी। बट आई होप सो यार कि फाइट देखने को मिले, वरना मैं भी बोर होता रहूँगा एंड आप लोग भी बोर होते रहोगे। अपने तीनों की तीनों टीममेट्स का रिवाइवल देना एंड स्क्वाड नंबर 10 के चारों प्लेयर्स हमें स्क्वाड नंबर 6 डेविल्स के ऊपर क्लोजिंग करते हुए दिया है। डेविल्स को अपने टीममेट बात करें आइकॉनिक को अभी के लिए रिवाइवल दे दिया, बट स्क्वाड नंबर 10 के प्लेयर्स ने स्लैम इन कर दिया 40 स्क्वाड नंबर 6 के प्लेयर्स के ऊपर। अभी बात करें डेविल को अपने एक और टीममेट को रिवाइवल दे देना चाहिए, आइकॉनिक एंड दिव्यांशु को रिवाइव देना चाहिए, वरना उससे पहले स्क्वाड नंबर 10 के प्लेयर्स ने स्लैम इन कर दिया। टोनी को भी नॉकआउट कर दिया 40
डेविल स्कोर नंबर 6 के प्लेयर्स को स्कोर नंबर 10 के प्लेयर्स के द्वारा काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा विदाउट एनी कैजुअलिटीज। स्कोर नंबर 10 के प्लेयर्स ने अच्छे से एनिमीज को फिनिश ऑफ कर दिया है। सो गाइस जो भी स्ट्रीम बना रहे हैं फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे एंड आई नो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग गेम है यार, बट क्या कर सकता है, 50 प्लेयर्स की लॉबी में लिविक लगना था, बट मतलब यार पूरा ना 15-20 मिनट वेस्ट हुए हैं सच में टू बी ऑनेस्ट सब के, क्योंकि लिविक रहता 20 मिनट में ख़त्म हो जाता है एंड मेरा मर 35 मिनट से पहले कभी ख़त्म नहीं होता। सो अभी के लिए कोई बात नहीं गाइस, थोड़ा सा आपका थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा तो आपको वेट करना पड़ेगा, मेरे पास भी कुछ बोलने को नहीं, फाइट होती है मैं फाइट होते ही यहाँ दिखा दूंगा, वरना जब तक हम लोग थोड़ा वेट करते हैं। तो एज ऑफ जैसे ही यहाँ फाइट होते हैं मैं बिल्कुल आपको, जब तक मैं एक सेकंड के लिए ऑफलाइन जा रहा हूँ बस बिल्कुल स्ट्रीम पे बने रहिएगा। गौरव जयशानी बक्स ओपी, बिल्कुल बिल्कुल बक्स ओपी। बात करें टीम से तो 14 टीम्स एंड 48 प्लेयर्स आर लाइव। सो अभी के लिए भी हमें बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, मतलब मान के चलो 5 मिनट की बात है, बस 5 मिनट मैं भी थोड़ा भगवान का नाम लेके सबर कर रहा हूँ, उसके बाद एटलीस्ट हमें कुछ फाइट्स देखने को मिलेंगी। जब तक आप लोग ऐसा करो सो जाओ, मजाक कर रहा हूँ, सोने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रीम पर बने रहिए। अगर यही मैच लिविक होता ना भाई, मैंने इतना बोला था लिविक करा दो लिविक करा दो लिविक करा दो, सुबह से बोल रहा था लिविक करा देना, मतलब मैंने तो कल रात से ही बोलना स्टार्ट कर दिया था, बट भाई रूम मेकर ने लिविक ही नहीं करा भाई, मैं क्या बोल सकता। लिविक होता ना भाई, मतलब अभी 15 मिनट में ना एंड जोन आ जाता बिल्कुल, मतलब 20 मिनट का मैच होता और इतना इंटेंस जोन रहता, इतना इंटेंस फाइट। अब इसमें देखो 20-20 मिनट तो ये बंदा साफ बन रखे हैं, सारे बंदे अब कैंप करेंगे, उसके बाद जब जोन श्रिंक होगा जब होएगा फाइट। सो यही बात है ना भाई, अगर मेरी मतलब मेरी मान के लिविक होता तो ज़्यादा बेटर रहता। अब कोई बात नहीं गाइस, आपको थोड़ा बोर होना पड़ रहा है, मुझे भी एक्चुअली बोर होना पड़ रहा है, बस क्या कर सकते हैं। तो जब तक यार थोड़ी बहुत चैट में बात कर लो यार, एक तो मेरे व्यूअर्स भी पता नहीं है, ऐसे नहीं है कि चैट में थोड़ी बात बात कर लें,
अगर तुम भी बोर हो रहे हो, मैं भी बोर हो रहा हूँ, तो कुछ बात बात कर लो, एक कोई Q&A कर लो, थोड़े बहुत आंसर्स क्वेश्चंस पूछ लो, आंसर्स दे दूंगा। अब भाई आपको ऐसा कुछ लिखना, मैं 11 बंदे देख रहे हैं उसमें से एक फ़ोन मेरा है, तो 10 रियल बंदे देख रहे हैं, मतलब एक फ़ोन को मेरे को हटा के, तो 10 बंदे हो भाई, कुछ बात बात ही कर लो यार, Q&A कर लो मेरे साथ। बट आई डोंट थिंक कोई Q&A करने में इंटरेस्टेड है, या कुछ भी बात बात करने में इंटरेस्टेड है मेरे से। सभी के लिए बिल्कुल बिल्कुल स्कॉडा 1 के वैसे स्कॉडा 4 जंगल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को हम स्पॉट आउट कर, जंगल टीम की बात करें उनके 4 प्लेयर चीता को अभी के लिए फुल फुल फिनिश आउट कर रखा है। स्कॉडा 4 के प्लेयर्स बात करें अभी के लिए स्कॉड नंबर 23 के प्लेयर्स को हमें थोड़ी बहुत स्लैम इन करते हुए देते हैं। स्कॉड नंबर 13 बात करें गाइस आर लिख माय लर्न लिख माय बोल एंड उनकी बात करें एग्जिबिट की, तो वो भी तीनों के तीनों प्लेयर्स स्लैम है। बात करें एग्जिबिट के पास अभी के लिए स्कारल है, लंड के पास M249 है, बॉल के पास भी M249 है, तो दो दो M249 है। स्कॉड नंबर 13 के प्लेयर्स के पास देखने मिला आपको भाई 11 प्लेयर मतलब 11 लोग देख रहे हैं, बट पता लिख माय लैंड को टाइगर के द्वारा एक बहुत ज्यादा नॉकआउट एंड फुल फुल फिनिश आउट मिलेगा। एग्जिबिट एंड बॉल अपने टीममेट्स को लिटरली कवर देने नहीं गए, उनका टीममेट आ नीचे फुल फुल फिनिश आउट भी होगा, बट वो कवर देने ही नहीं गए, आई डोंट नो क्या ही सीन था। बट गाइस स्क्वाड नंबर 4 जंगल के प्लेयर्स अभी क्लास स्लैम इन करेंगे स्क्वाड नंबर 13 के बेस्ट को पर। सो गाइस बता दूं स्ट्रीम स्नाइप बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डिले डाला है, लिटरली अच्छा खासा डिले डाला है। बिल्कुल बिल्कुल बात करें जान लिखमा बॉल ने बहुत है जंगल के टाइगर को एक नॉकआउट किया, जंगल के टाइगर को अभी के लिए फुल फुल फिनिश आउट करने के टाइगर, बट उसके जंगल के बंदर ने लिखमा बॉल को नॉकआउट किया। एक बार नजर डालते गए लिखमा है बिल्कुल बिल्कुल स्कॉड नंबर 4 के प्लस है, स्कॉड नंबर 13 के प्लस को इजीली फिनिश आउट किया लिखमा बॉल एंड लिखमा लंड दोनों को फिनिश आउट कर दीजिएगा बाय जंगल के प्लस, उल्टा जंगल के टाइगर एंड उनके टीम में ना चीता को फुल फुल फिनिश आउट मिल जाएगा। बंदर एंड ईगल लास्ट अपने दो प्लेयर स्टैंड गए, दो ऐसे स्क्वाड पूरा पूरा चिकन है निकालना या टॉप 5 में जाना मुश्किल बिल्कुल बिल्कुल रहने वाला जंगल प्लेयर्स के लिए। सुहेल सर ओपी बिल्कुल ओपी। सो गाइस अभी के लिए बात करता हूं मैं स्क्वाड नंबर 12 के बारे में, स्क्वाड नंबर 12 के ब्लड बुलेट का टॉर्क के द्वारा नॉकआउट एंड लेजेंड ऋषि के द्वारा फुल फुल फिनिश आउट कर दीजिएगा। स्क्वाड नंबर 12 के बीस्ट एंड बात किया जाएगा कि ऐसे अभी के लिए डू ऐसे स्क्वाड खेल रहे हैं। स्कॉड नंबर 12 के प्लेस के ऊपर अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रखा है, लेट्स सी स्कॉड नंबर 8 के प्लेस का वो यहाँ नॉकआउट करने की ट्राई करेंगे स्कॉड नंबर 12 के प्लेस को। बट हाँ मत कह मिक्की की, तो मिक्की अभी के लिए जोन के अंदर है, कोई भी व्हीकल नहीं है ना ही उनके पास हाँ टीम बैठा, कैसे ही जोन के अंदर रोटेशन करेंगे आई डोंट इवन नो, हीलिंग्स भी बिल्कुल नहीं है, पता नहीं मिक्की मतलब कैसे ही सर्वाइव कर पाएंगे भगवान जानता। मत कह पिकाडो में स्कॉड नंबर 1 वो स्कॉड नंबर 4 जंगल के दोनों दोनों प्लेस अभी के लिए स्कॉड नंबर 1 के प्लेस खाते उनको स्पॉट आउट कर लगा बाय स्कॉड नंबर 23 के प्लेस, बट अभी स्कॉड नंबर 1 के इजीली अपनी रोटेशन कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड स्क्वाड नंबर 23 का कोई भी प्लेयर स्क्वाड नंबर 1 के किसी भी प्लेयर को स्पॉट आउट करके नॉकआउट बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। मत करें सारांश भाई को भी ब्लेड के द्वारा फुल फुल फिनिश आउट मिला, तो एक बार उनके ऊपर भी हम लोग नजर बनाते हैं। मत करें स्क्वाड नंबर 10 वर्सेस स्क्वाड नंबर 12 का बी स्टैंड मिकी अभी के लिए डू वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं, डू वर्सेस स्क्वाड खेल चलना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि बात करें बी स्टैंड उनके टीम बेटा मिकी भी स्प्लिट आउट हो रखा, तो अभी के लिए बीस्ट को सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच करना है स्क्वाड नंबर 10 के प्लेयर्स का, कैसे ही करेंगे सोलो वर्सेस स्क्वाड भगवान जानता है। यहाँ बीस्ट कंटिन्यूसली नॉकआउट निकालने की ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी नॉकआउट निकाल पाते हैं स्क्वाड नंबर 10 के प्लेयर्स को, कंटिन्यूसली स्पॉट आउट करके नॉकआउट देने की ट्राई करेंगे स्क्वाड नंबर 12 के प्लेयर्स। मत कर जंगल के बंदर ने बहुत अपने आप को ही मतलब बंदर ने बंदर को ही अपनी मौली के द्वारा नॉकआउट के दौरान बचते अभी के लिए वहाँ बच जाएंगे जंगल के बंदर को, मतलब जंगल के बंदर ने खुद को यहाँ नॉकआउट करा मौली के दौरान, एनिमी को यहाँ बात करें प्रीतम को किल दे दिया, मतलब क्या ही बोलूं बंदर ने इतनी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी करी, खुद को मौली से नॉकआउट कराया एंड प्रीतम को फ्री फोकट का किल मिल गया, प्रीतम भी खुश बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे कि यार उनको एक फ्री फोकट का किल मिल गया। बात करें ईगल एक प्री नेट करेंगे, बट अभी के लिए ईगल की HP 50 है, तो अभी के लिए ईगल को फर्स्ट एड पॉप आउट कर लें चाहिए, वरना ईगल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बनेंगी, बट आई डोंट नो ईगल यहाँ फर्स्ट एड पॉप आउट कर क्यों नहीं रहे अभी के लिए ईगल, मतलब ईगल को फर्स्ट एड पॉप आउट करना चाहिए, बट अभी के लिए वहाँ भगते दिखाई दे रहे हैं एंड अभी के लिए आई थिंक स्क्वाड नंबर 23 के प्लेयर्स उनको स्पॉट आउट कर सकता है, बट अभी के लिए ईगल थोड़ा बहुत फॉल बैक कर लिया, बट बात कर रहा ईगल को स्पॉट आउट कर लीजिएगा बाय स्क्वाड नंबर 20। मतलब ईगल के पास अभी के लिए व्हीकल है, तो वो ईजिली यहाँ जोन के अंदर रोटेशन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल व्हीकल में बैठ गए ईजिली रोटेशन भी कर लेंगे स्क्वाड नंबर 23 के प्लेयर्स, स्पॉट आउट करने की ट्राई करेंगे ईगल को लेट्स सी, बट अभी के लिए ईगल बिल्कुल बिल्कुल जोन के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम।
सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, था टॉर्क ने बीस्ट को नॉकआउट किया। मैंने पहले ही बोला था कि स्क्वाड में ट्वेल्व के बीस्ट को फिनिश ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच करना इज नॉट अ स्मॉल टास्क। बात करें जब अपने फोर्थ अलर ड्रॉप की, तो फोर्थ अलर ड्रॉप में हमें एक सेकंड, सो इस फोर्थ अलर ड्रॉप में हमें ग्रोजा प्लस लेवल थ्री का हेलमेट एंड वेस्ट बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लेट्स सी फोर्थ अलर ड्रॉप को कौन सी टीम आके लूटते, क्योंकि आई थिंक सबको पता है कि यार ग्रोजा में कितनी ज़्यादा पावर है, मतलब कितनी ज़्यादा पावरफुल गन है ग्रोजा। बात करते हैं स्क्वाड नंबर 15 स्कार्क के टू एंड क्रिएटिव अटैक खाई हूँ वर्सेज स्क्वाड नंबर 17 के डुओ वर्सेज डुओ के फाइट हमें यहाँ देखने को मिलेगी। किसी के पास भी कोई भी एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी के लिए बनता हुआ नहीं दिखाया था, बट किट्टू का कल हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गेम प्ले देखने मिला। स्कार्क के किट्टू ने कल काफ़ी ज़्यादा नॉक निकाले थे। स्क्वाड नंबर 17 के प्लस किट्टू ने स्पॉट आउट एंड डैमेज भी दे दिया, बट अभी के लिए नॉकआउट नहीं निकाल पाएंगे। स्क्वाड नंबर 17 के प्लस इजिली कवर में चले गए। किट्टू हमें कल तो बेहतरीन गेम प्ले देखने को मिला था, लेट्स सी आज किट्टू का बेहतरीन गेम प्ले देखने को मिलता है कि नहीं। अभी के लिए आई थिंक स्क्वाड नंबर 15 के बस बिल्कुल ना, स्क्वाड नंबर 17 के बस को बराबर के क्लच श्री ने भी पीबी के कर्न को भी एक बहुत ही बड़ा नॉकआउट देते, एक बार उनके ऊपर भी नजर बनाता है। बात करें जब खाइए मैन उनकी टीम में किट्टू बिल्कुल स्लैम इन कर रहे हैं, चार्ज इन कर रहे हैं स्क्वाड नंबर 17 के प्लेयर्स के ऊपर। यहाँ प्रो नाइट में ना वुल्फी को एक बहुत ही बड़ा नॉकआउट दिया, रूम मेकर को ही नॉकआउट किया, रूम मेकर को ही फुल फिनिश आउट कर दिया जाएगा। बिल्कुल यहाँ स्क्वाड नंबर 1 के वेस्ट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बिल्डअप रखा है स्क्वाड नंबर 1 के। यश इज लास्ट मैन स्टैंडिंग टीम, उनकी टीम टॉप वुल्फी डेल्टा ओपी एंड रेड बट करेगा। यश स्पॉट आउट करने के टाइम स्क्वाड नंबर 10 के प्लेयर्स को बताया, स्क्वाड नंबर 10 के प्लेयर्स ने स्क्वाड नंबर 1 के प्लेयर्स को इजिली फिनिश आउट कर दिया है। स्क्वाड नंबर 10 के पास आर लिटरली अनस्टॉपेबल, दे आर सो डोमिनेटिंग, आई कांट इवन टेल यू। 11 किल्स हासिल कर लिए चारों के चारों प्लेयर्स ने, वो भी विदाउट एनी कैजुअलिटी, काफी ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले मैच स्क्वाड नंबर 10 के प्लेयर्स का देखने को मिल रहा है। यहाँ बात करें टीम्स की, टॉप 11 टीम्स एंड 32 प्लेयर्स आर अलाइव। लेट्स सी बात करें अभी के लिए चुमा सेरा में थोड़ा बहुत ओपन में जोन बन रहा है। स्क्वाड नंबर 5 प्लेयर्स कंटिन्यूसली स्क्वाड नंबर 10 के प्लेयर्स को नॉकआउट देने की ट्राई कर रहा है, बट अभी के लिए बगी के टायर फोड़ेंगे एंड ब्लेड को डैमेज दे, बट अभी के लिए ब्लेड को नॉकआउट नहीं कर पाएंगे स्क्वाड नंबर 4 आत्मनिर्भर नाइट मेरे बात करिए डॉक्टर सोहेल ने यश को, ये तो पुरानी बात, पनीर मसाला ना पीबी के कर्न को नॉकआउट कर दिया। सो देखो और बात करें अभी के लिए स्क्वाड नंबर 23 की, बात करें अभी के लिए चारों के चारों प्लेयर्स एक ही ट्रक में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जोन के अंदर रोटेशन कर रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे गॉड नोस, क्योंकि स्क्वाड नंबर 5 के प्लस उनके जस्ट अहेड हमें दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी स्क्वाड नंबर 5 के प्लस स्क्वाड नंबर 23 के प्लस को स्पॉट आउट करके नॉकआउट दे सकते हैं। बात करते हैं स्क्वाड नंबर 23 के प्लेयर्स के पास ओनली एंड ओनली एक ही व्हीकल है, तो रोटेशन करना भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ बिल्डअप होगा। रोटेशन कैसे करेंगे विद ओनली एंड ओनली वन व्हीकल एंड चारों के चारों प्लेयर्स अलग, अगर किसी को भी डैमेज होना। बात करें अभी के लिए प्रीतम की, बात करें स्क्वाड नंबर 23 के दो प्लेयर्स अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ओपन में रहेंगे एंड बिल्कुल आगे आई थिंक गाइस वो वाला व्हीकल तो थोड़ा ग्लिच्ड है, नशे कर रहा है वाला व्हीकल। अभी के लिए स्क्वाड नंबर 23 के प्लेयर्स को जोन के अंदर रोटेशन करनी स्टार्ट कर दिया है, बट स्क्वाड नंबर 10 के डॉक्टर सोहेल ने स्पॉट आउट कर लिया स्क्वाड नंबर 23 के प्लेयर्स को। कैसा पनीर मसाला को भी स्क्वाड नंबर 10 डॉक्टर सोहेल के द्वारा नॉकआउट मिलेगा। लेट्स सी स्क्वाड नंबर 10 के पास अभी क्लास स्क्वाड नंबर 23 के पास को बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहे। स्क्वाड नंबर 10 के प्लेयर्स के पास एडवांटेज है, अब एडवांटेज क्या है मैं बताता हूँ। एडवांटेज है कि उनके पास मिराडो है एंड मिराडो इज सो फास्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट है मिराडो। ऑन द अदर हैंड स्क्वाड नंबर 23 के पास एक ट्रक है, मतलब समझ लो ट्रक है जिसे कहते हैं ना इंडिया की लैंग्वेज टम्पो कहते हैं ना भाई, टम्पो समझ लो, इतना धीरे चलता है वो। सो स्क्वाड नंबर 10 के पास स्क्वाड नंबर 23 के पास को इजीली स्पॉट आउट करके इजीली फिनिश ऑफ भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए स्क्वाड नंबर 10 के पास ने जोन के अंदर रोटेशन करना प्रेफर करा है, जोन को प्रेफरेंस दी है एंड डी वाली प्रेफरेंस बिल्कुल उनकी हमें सही देखने को मिल रही है। मतलब स्क्वाड नंबर 10 के पास बिल्कुल हम मिर्जापुर वाले गुंडे हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब गाड़ी में घूम रहे कंटिन्यूसली नॉकआउट दे रहा, खुली गाड़ी में घूमते घूमते फायरिंग कर रहे जैसे तो मिर्जापुर में आ रखे। बट बात करें पनीर मसाला को स्पॉट आउट करा जाएगा बाय सोहेल, बट अभी के बात करें स्क्वाड नंबर 10 के पास की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर दी मैंने, बट दिक्कत हो चुकी है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ओपन में फंस गए हैं। बात करें उनकी मिराडो को 99.9% बिल्कुल ब्लास्ट कर दी जाएगा उनकी मिराडो को स्क्वाड नंबर 10 के पास। स्नैप पे कवर पे कोई ऐसा डिप का कवर भी हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो अभी का स्क्वाड नंबर 10 के पास कहाँ जाएंगे गॉड नोस। एनल कनाल ने बहुत ही प्यारा नॉकआउट दिया स्क्वाड नंबर 5 के आत्मनिर्भर को अभी के लिए रिवाइवल मिल जाएगा उनके टीममेट के द्वारा। नाम रख रखा है आत्मनिर्भर, बट फिर भी रिवाइवल ले रहे हैं किसी और से, तो ये नाम बिल्कुल भी परफेक्ट हमें नहीं दिया। बात करें एनल कैनल, बात करें ड्रिजी ने भी एक बहुत ही बड़ा नॉकआउट दिया स्क्वाड नंबर 7 वर्सेस स्क्वाड नंबर 9 के बैच के बीच यहाँ फाइट स्टार्ट हो चुका है। बात करें स्क्वाड नंबर 9 के यश को भी नॉकआउट कर दिया जाएगा बाय पनीर मसाला।
स्क्वाड नंबर 9 की बात करें आतंकी एंड स्टार एक्स अभी खिलाड़ी डुओ वर्सेस स्क्वाड खेलेंगे। स्क्वाड नंबर 10 की बात करें बात करें एनएल को स्पॉट आउट करा जाएगा बाय स्टार एक्स। लेट्स सी एक नॉकआउट की बात करें एनएल के ऊपर एक सॉरी बिल्कुल बिल्कुल स्टार एक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा बिलीव कर नेड वन नॉकआउट मिलेगा। आतंकी इज लास्ट मैन स्टैंडिंग मैन स्क्वाड नंबर 9 के बेस को स्क्वाड नंबर 7 के प्लेयर्स के द्वारा इजीली फिनिश आउट मिल जाएगा विदाउट एनी कैजुअलिटीज। ओके मैंने डे 3 क्यों कर दिया यार शिट मैंने टाइटल में डे 3 कर दिया। थैंक गॉड आज डे 2 है और मैंने डे 3 कर दिया। सो गाइज आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लो मेरे चैनल को एंड आपको डे 2 दिखेगा डे 3 की बजाय। सो गाइज फाइनली मतलब स्टार्टिंग में मेरे को मतलब थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था एंड मैं दुखी भी था क्योंकि यार लॉबी 50 बंदों की थी वो भी मिरामर जैसे मैप में बट फाइनली एंडिंग में आते आते काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लॉबी देखने में आप मेरे चेहरे की खुशी मतलब मेरी आवाज़ की खुशी से मतलब स्क्वाड नंबर 12 के बस को स्क्वाड नंबर 3 के प्लस के द्वारा इजीली फिनिश ऑफ कर दीजिएगा। एंड मतलब आप लोग मतलब पता चल गया होगा यार जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ जिस हिसाब से मैं हंस रहा हूँ सो मतलब मेरे को खुशी हो रही है यार इंटेंस लॉबी यार इंटेंस लॉबी जितनी हो मुझे उसमें कास्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर कुछ फाइट ही नहीं हो रही तो मैं ऑब्वियसली क्या ही कास्ट करूँगा यार। सो बस यही है कि मेरे को इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार वो सॉरी सेकंड एंड थर्ड वाला मैच भी हमारा वो लिविक हो तो लेट्स सी गाइस लिविक हो पाते हैं। सेकंड वाला तो लिविक है तो मैं बोलूँगा थर्ड वाला भी लिविक करा दो यार बेटर रहेगा लॉबी काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी एंड जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको भी एक टॉप नॉच कॉम्पिटिशन मिलेगा बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सो मैं चाहता हूँ कि यार टीम्स को जितना कॉम्पिटिशन मिल पाए उतना कॉम्पिटिशन मिले। स्क्वाड नंबर 7 के बेस बात करें स्क्वाड नंबर 10 के बेस नहीं बिल्कुल बिल्कुल बस क्या सर टॉर्क ने बहुत तरह एनएल को नॉकआउट दिया एंड स्क्वाड नंबर 7 के एनएल को एक बहुत ही बड़ा नॉकआउट मिला। स्क्वाड नंबर 7 के प्लेयर्स को पता है अभी के लिए प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है बिल्डअप कर रहे हैं स्क्वाड नंबर 10 के बेस क्योंकि अभी उनका टीममेट को नॉकआउट देखा है। स्क्वाड नंबर 10 प्लेयर्स हम बिलीव एंड लूसीफर के ऊपर हमें स्लैमिना करते हैं लूसीफर अपने टीममेट्स को कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं नॉकआउट देने की लेट से बात करते हैं। स्क्वाड नंबर 3 के पास हमें स्लैमिन कर रहे हैं स्क्वाड नंबर 7 के बेस के ऊपर। स्क्वाड नंबर 3 की बात करें क्लिप्स बिल्कुल क्रिमसन लायन अभी क्लास जोन से नॉकआउट हो जाएंगे बट लूसीफर एंड उनके टीम में एक फ्री फोकस का किल निकाल सकते हैं। लियो ने बिल्कुल बिल्कुल किल निकाला है टॉक्सिक का फुल फुल फिनिश आउट करके। बात करें लूसीफर के ऊपर खय्याम ने यस खय्याम वर्सेस लूसीफर 1 वर्सेस 1 के बैठा है खय्याम को बिल्कुल स्पॉट आउट कर लेगा भाई लूसीफर एंड अभी के लिए। बात करें लूसीफर वर्क ट्रेड फार्म में स्क्वाड नंबर 10 के प्लेयर्स को ज्यादा नॉकआउट मिलेगा एंड लूसीफर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि स्क्वाड नंबर 10 के प्लेयर्स भी जस्ट मेरे लेफ्ट में। बात करें खय्याम को जोन के द्वारा फिनिश ऑफ मिल जाएगा। स्क्वाड नंबर 10 के बस खाते वो लोग का मैच क्लोजिंग करते हुए देंगे। स्क्वाड नंबर 7 के प्लस के ऊपर 4 vs 3 की फाइट है किसी के पास भी कोई भी एडवांटेज डिसएडवांटेज या कैजुअल्टी मत करें गाइस। एनएल को बिल्कुल बिल्कुल टॉर्क ने एक बहुत तरह एनएल को नॉकआउट करके फुल फुल फिनिश आउट कर दिया। स्क्वाड नंबर 10 के पास स्क्वाड नंबर 7 के डुओ के ऊपर बिलीव को नॉकआउट एंड स्क्वाड नंबर 7 के प्लस को स्क्वाड नंबर 10 के प्लस से ज्यादा फिनिश आउट कर दीजिएगा। मतलब स्क्वाड नंबर 10 के प्लस की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है गाइस। एक बार मैं इनका नाम देख रहा हूँ स्क्वाड नंबर 10 टीम अकात्सुकी ओके या अकात्सुकी पक्का कह सकता हूँ एक एनिमे कैरेक्टर है एनिमे का शो है। मैं एनिमे देखता नहीं हूँ ना कैरेक्टर्स के नाम पता है आज तक लाइफ में बस 2 एनिमे देखे हैं उसके बाद नहीं देखा बट जो भी है यार स्क्वाड नंबर 10 की मतलब मेरी फेवरेट टीम बन गई है स्क्वाड नंबर 10 की बस इस वाले मैच के बाद क्योंकि मतलब यार लिटरली डोमिनेट करे ऐसा लग रहा है कि यार पूरा का पूरा मैच इनका है ऐसा लग रहा है हैकर मतलब हैकर जैसे लग रहे हैं कि इनको बंदे की लोकेशन पता है घुस घुस के मार रहे हैं लिटरली उनके मतलब जहां वो लोग बैठे हैं ना घुस घुस के स्क्वाड नंबर 10 के प्रेस मार रहे हैं। बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग गेम प्ले मैं स्क्वाड नंबर 10 के प्रेस के द्वारा देखने को मिल रहा है। 15 किल्स विदाउट एनी कैजुअलिटी इज नॉट अ स्मॉल डील काफी ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले मैं देखने को मिला है स्क्वाड नंबर 10 के प्लेस के द्वारा। स्वर्ण फाइव के राजा आत्मनिर्भर को दोबारा नॉकआउट दिया ना मैं आत्मनिर्भर बट बार बार नॉकआउट होकर अपने टीममेट्स को अपना बोझ बन रहे आत्मनिर्भर। बात करें पनीर मसाला की अभी के लिए पनीर मसाला के पास हेलमेट नहीं है बट उतने स्क्वाड नंबर 2 के ड्रिजी ओपन में आज क्लोजिंग कर रहा है। मतलब क्लच श्री को स्पॉट आउट करेंगे ड्रिजी बिल्कुल ना क्लच श्री को नॉकआउट देने के टाइम ड्रिजी। बात करें अपना बिल्कुल बिल्कुल अभी के लिए क्लच श्री को 1 HP कर दीजिएगा लेट्स सी क्लच श्री सर्वाइव कर पाते हैं। बात करें बहुत ज्यादा ड्रीजी को ओपन एड बट अभी ड्रीजी को बिल्कुल 50 HP कर देगा क्लच श्री को नॉकआउट कर दिया उनकी टीम आत्मनिर्भर को फुल फुल फिनिश आउट कर दीजिएगा। पनीर मसाला को भी बिल्कुल स्क्वाड नंबर 2 के बेस द्वारा फिनिश आउट कर देगा बट स्क्वाड नंबर 2 के बेस को भी जोन के द्वारा बताए बिल्कुल बिल्कुल स्क्वाड नंबर 2 के बेस भी जोन के द्वारा फिनिश ऑफ हो गए। नॉट्स ओनली एंड ओनली बिटवीन टॉप 2 टीम्स स्क्वाड नंबर 10 वर्सेस स्क्वाड नंबर 17 के बेस देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि स्क्वाड नंबर 17 के सिर्फ 2 प्लेयर्स अलावे एंड ऑन द अदर एंड स्क्वाड नंबर 10 की बस करते तो वो चारों के चारों प्लेयर्स अभी के लिए अलावे तो मैन एडवांटेज बिल्कुल बिल्कुल स्क्वाड नंबर 10 के प्लेयर्स के ऊपर ना बनती हुई हमें दिखाई दे रही है।
बात करते हैं स्क्वाड में 17 के पास ओनली एंड ओनली दो प्लेयर्स है, डुओ से बात करें लोन वुल्फ को अभी एक बहुत बड़ा ब्लेड के द्वारा नॉकआउट मिल जाएगा स्क्वाड में 10 का, ब्लेड ने बहुत बड़ा स्क्वाड में 10 का प्लेयर है स्क्वाड में 17 के, लोन वुल्फ को फिनिश ऑफ करता है। रावन इज सॉरी रावन इज की बोल रहा हूँ, रावन इज लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑफ टीम अगेंस्ट स्क्वाड में 10 के, चारों प्लेयर्स आई डोंट थिंक रावन है बिल्कुल भी सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच कर पाएंगे, एंड स्क्वाड में 10 के पास बात करें आई थिंक उनका बिल्कुल ना चिकन एन होने वाला है विद 19 किल्स फुल डोमिनेशन चिकन एन हमें स्क्वाड में 10 के प्लेयर्स के दौरान देखने को मिलेगा। बात करें रावण राज के ऊपर जस्ट डॉक्टर सोहेल दिखाई दे रहा है, डॉक्टर सोहेल को रावण ने स्पॉट करके डैमेज देने के लिए बेटा रावण राज ने अपने ही मतलब ऊपर ग्रेव खोद लिया क्योंकि अपनी लोकेशन रिवील करा दी, लोकेशन के साथ यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर दिया रावण ने। बात करें स्क्वाड में 10 के प्लेयर्स ने स्क्वाड में 17 के रावण को इजिली फिनिश ऑफ करके फुल डोमिनेटिंग चिकन एन लिया है विद ओवर एंड ओवर 19 किल्स, काफी ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले मैं स्क्वाड में 10 के प्लेयर्स के द्वारा देखने को मिला। बात करते हैं स्क्वाड में 17 प्लेयर्स सेकंड पोजीशन पर है विद 0 किल्स, मत करिए डीमन वाली स्क्वाड की एक बार किल्स काउंट कर लेता हूँ 5, 6, 7, 8, 9 किल्स का था, डीमन वाली स्क्वाड भी थर्ड पोजीशन पे एंड अप है, मत करिए आत्मनिर्भर वाली स्क्वाड ओनली एंड ओनली एक किल के साथ फोर्थ पोजीशन पे, जंगली स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की बात करें वो यहाँ 4 किल्स के साथ फिफ्थ पोजीशन पे एंड अप है, पीबी के प्लेयर्स 6 किल्स के साथ सिक्स पोजीशन पे एंड अप है, बात करते गाइस अभी के लिए टीम्स का नॉट योर वॉट वाली स्क्वाड 2 किल्स के साथ 8 पोजीशन पे एंड अप है, बात करते गाइस अभी के लिए हनरू प्रीतम वाले के पास वो हमें 1 किल देखने मिला, गाइस मत के स्पॉडी के पास भी हमें 2 किल्स देखने मिला, लिकमा टीम वाले के पास 2 किल्स एंड 14 पोजीशन पे एंड अप है। सो गाइस अभी के लिए स्ट्रीम से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रीम से कहीं भी जाइए क्योंकि विद इन 10 मिनट बिल्कुल 10 मिनट के अंदर आपको एक और मैच हमारा है देखने मिला टूर्नामेंट का, सो स्ट्रीम पे बिल्कुल बने रहिए, स्ट्रीम से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है।
you held me thin. Now you've got me reaching out, out. And do you see you got me falling in? More times than I can get out.
God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you were thinking that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Looking for that whip, yeah that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like bro. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts, bro. Facts, bro. Lot of haters, tell me where they at, though. Where they at, though? I'm the new pop, all I do is rap, though. Yeah. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup. That's why we ain't on the same page. No. Do my own thing, and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Tonight, we're gonna let it out.
सो वेल हेलो एवरीबॉडी, सो गाइस बात करता हूँ हमारा सेकंड मैच की बात करें। सेकंड मैच में 57 प्लेयर्स एंड 16 टीम्स आर प्लेइंग। मैप है सैनोकान, मैप बिल्कुल परफेक्ट है फॉर दिस लॉबी। इट्स परफेक्ट क्योंकि मतलब लॉबी आई है कम की, मतलब 60 प्लेयर्स आर गुड एंड सैनो का मैच इज परफेक्ट। कार्तिक और विनायक अब भी स्ट्रीम पे हो क्या? नहीं, कार्तिक विनायक हो भी सकता है, कार्तिक आई डोंट थिंक होएगा यार, कोई भी हो सकता है भाई, बताओ यार हो कि नहीं। ऐसे विनायक भी पूरे लास्ट वाले मैच में था नहीं, तो वो भी कहा नहीं हो सकता। स्ट्रीम डिले है तो आप लोगों को बहुत देर बाद सुनेगा कार्तिक और विनायक। सो गाइस बात करते हैं अभी में स्लैम इन, बात करते हैं अभी में हॉट ड्रॉप क्लैश, तो भी किसी भी टीम के बीच में आज देखने को नहीं मिल रहा। स्क्वाड नंबर 16 की बात करते हैं, स्क्वाड नंबर 16 वर्सेस स्क्वाड नंबर 15 के बैस के बीच में हमें क्लैश देखने को नहीं मिल रहा। एक्चुअली अभी किसी भी टीम के बीच में हमें क्लैश देखने को नहीं मिल रहा। बूट कैंप एंड पैराडाइज रिसोर्ट जहाँ हमेशा मिनिमम दो टीम्स जाते हैं, मैक्सिमम चार चार पाँच पाँच टीम्स जाते हैं, आज पैराडाइज रिसोर्ट एंड बूट कैंप पूरा का पूरा क्लियर आउट एंड हमेशा जोन बूट कैंप पे ही बनता है, क्योंकि जोन सॉरी बूट कैंप सेंटर में है जोन के, तो हमेशा बूट कैंप पे जोन बनता है। बट आई डोंट नो कोई भी टीम हमें सेंटर वाली साइड पर जाते हुए नहीं दिखाई दे, एंड किसी भी टीम के बीच में क्लैश तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। सो जो भी स्ट्रीम बना रहे फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलना, सपोर्ट करते रहो। एक छोटा यूट्यूबर हूँ, हार्ड वर्किंग यूट्यूबर, 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ आतंकी ने टॉक्सिक कारा को नॉकआउट देके फुल फुल फिनिश आउट होता है। तो गाइस देखते हैं फाइट कहाँ देखने मिल रहा है। स्क्वाड नंबर 16 के जॉनी 69 के पास शॉट आना उतर गया था, क्रेजी के पास कुछ भी नहीं, जॉनी 69 को भी कराया 30 HP कर दिया, उतर गया था। स्क्वाड नंबर 9 प्लस ने क्लोजिंग कर दिया, कृष्णा क्रेजी को बहुत ज्यादा नॉकआउट है, जॉनी को भी बिल्कुल। स्क्वाड नंबर 9 प्लस ने स्क्वाड नंबर 16 के पास को इजिली फिनिश ऑफ कर दिया विदाउट एनी कैजुअल्टीज एंड 3-3 किल्स भी हासिल कर लिया। तो गाइस स्क्वाड नंबर 6 वर्सेस स्क्वाड नंबर 3 के पास के बीच में हमें 4-4 का फाइट देखने मिल रहा है। बट अभी के लिए टोनी को नॉकआउट कर रखा है टॉक्सिक की तरह, टॉक्सिक का एक और नॉकआउट करने की ट्राई करें, एंड लेट्स सी भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फाइनली अच्छी फाइट समय देखने को मिल रही है, वो भी स्टार्टिंग में, तो बोर भी होने का मतलब आप लोग बोर भी नहीं हो गए और ना ही मैं कास्टिंग करते करते बोलूंगा। सो बस मैं यही चाहता कि यार फाइट्स मिले, पूरे टाइम फाइट चलती रहे। स्क्वाड नंबर 6 के प्लेयर्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बिल्ड अप हो रखा है, टोनी को लेवल देना है, टोनी अभी के ओपन में दिखाई दे रहे हैं। स्क्वाड नंबर 6-3 के प्लेयर्स करते हैं वो लोग हैं स्क्वाड नंबर 6 के प्लेयर्स को स्पॉट आउट करके नॉकआउट देने की ट्राई करेंगे। बात करते हैं स्क्वाड नंबर 6 के प्लेयर्स क्लोजिंग करेंगे स्क्वाड नंबर 3 के प्लेयर्स के ऊपर। लेट्स बात करते हैं टॉक्सिक के ऊपर, अभी के लिए बात करिए मयूरेश, मयूरेश के पास M4 है, लेवल 2 का हेलमेट एंड वेस्टर्न क्रिमसन 9 के पास जाते हैं। नॉट योर वॉट ने अपना टोनी का किल कंफर्म कर लिया, स्क्वाड नंबर 6 के एक प्लेयर को कैजुअल्टी, टोनी को कैजुअल्टी मिल जाएगी। आइकॉनिक 40 डेवल्स एंड दिव्यांश अभी 3 वर्सेस स्क्वाड में खेलते हुए दिखाई देंगे। कार्तिक और विनायक आर नो मतलब नहीं है, बात किया जाए आइकॉनिक मयूरेश को स्पॉट आउट कर लिया जाकर बाय आइकॉनिक। आइकॉनिक एक नॉकआउट निकालने की ट्राई करा, टिपिकली आइकॉनिक को पता है कि यार लोकेशन अगर मैंने रिवील करा दी सो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारी टीम के लिए बढ़ेगी। तो अभी के लिए आइकॉनिक अपनी लोकेशन बिल्कुल भी रिवील नहीं कराएंगे। स्क्वाड नंबर 4 के पास हमें स्क्वाड नंबर 6 से प्लस के ऊपर स्लैम इन करते देंगे। बात करना स्क्वाड नंबर 6 से दिव्यांश, दिव्यांश का भी के लिए काफी अच्छा कवर में। स्क्वाड नंबर 3 के प्लेयर्स के पास भी हमें कंपाउंड का कवर देखना पड़ रहा है। सो अभी के लिए स्क्वाड नंबर 3 के प्लेयर्स भी यहाँ स्लैम इन नहीं कर रहे हैं स्क्वाड नंबर 6 के प्लेयर्स के ऊपर। स्क्वाड नंबर 6 के प्लेयर्स कंटिन्यूसली यहाँ 40 डेविल की बात करें, बहुत प्यारा डैमेज मिल जाएगा 40 डेविल्स को, डेविल्स की बात करें नॉट योर वॉट ने दिव्यांश को नॉकआउट करता है। अगेन स्क्वाड नंबर 3 के प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं, हमारे 2 नॉक निकाल दे, एक का किल कंफर्म कर एंड दूसरे को दिव्यांश को नॉकआउट करेगा 40 डेविल एंड आइकॉनिक का विकल्प एंड डू वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं, डू वर्सेस स्क्वाड क्लच करना स्क्वाड नंबर 3 के प्लेयर्स के अगेंस्ट बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट इंपॉसिबल रहने वाला, क्योंकि स्क्वाड नंबर 3 के प्लेयर्स का गेम प्ले आपने कल भी देखा था कितना ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले था एंड आज भी हमें इतना ही ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले स्क्वाड नंबर 3 के प्लेयर्स के द्वारा देखने को मिल रहा है। बात कर क्रिमसन लाइन स्पॉट आउट करने की ट्राई कर रहा है, 40 बिल्कुल 40 डेविल का 5 HP एक्चुअली
1 HP कर दीजिएगा बाय स्क्वाड में 3 बार कितना आइकॉनिक को तो डॉक्टर आइकॉनिक अपने टीममेट दिव्यांज को रिवाइवल देना चाहिए बट अब क्या बात कर रहा था दोनों दोनों टीममेट से पास हीलिंग से स्क्वाड नंबर 3 के किसी भी प्लेयर के पास हेल्थ नहीं है एंड ना ही हीलिंग से काफी ज्यादा क्राइसिस हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है स्क्वाड नंबर 3 के पास के ऊपर कैसे ही सर्वाइव करेंगे विदाउट हेल्थ एंड विदाउट हीलिंग से गॉड नोज स्क्वाड नंबर 3 के प्लस ना अगर स्लैम इन कर दिया स्क्वाड नंबर 6 के प्लस के ऊपर सो स्क्वाड नंबर 3 के प्लस ना स्क्वाड नंबर 6 के प्लस को इजीली फिनिश ऑफ कर सकते हैं क्योंकि स्क्वाड नंबर 3 के प्लेयर के ऊपर एक मैन डिसएडवांटेज में बनती हुई दिखाई दे रहा है मतलब फॉल्ट डेवल अपने टीममेट के लिए अभी थोड़ी बहुत हील फेंके है एंड बात करते हैं स्क्वाड नंबर 6 के प्लेयर जब भी सीनेरियो में आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ अपने ड्रोन व्यू से अभी क्लास स्क्वाड नंबर 3 के प्लस स्क्वाड नंबर 6 के प्लस के बारे में थोड़ी बहुत क्लोजिंग करते हैं फॉल्ट डेवल्स की बात करें स्क्वाड नंबर 6 के प्लस ने फॉल बैक कर लिया बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं स्क्वाड नंबर 6 के प्लस को पता है कि यार वो लोग यहाँ फाइट नहीं ले सकते 3 vs 4 की वो भी ओपन में रहकर बिल्कुल भी विदाउट हीलिंग्स देख सकते हैं तीनों के तीनों प्लेयर्स की हेल्थ 30-40 HP दिखाई दे तो ऐसी हेल्थ में ऑब्वियसली फाइट नहीं ले सकते मैन डिसएडवांटेज है हीलिंग्स डिसएडवांटेज है कवर डिसएडवांटेज है एंड हेलमेट डिसएडवांटेज भी एक्चुअली सारे डिसएडवांटेज स्क्वाड नंबर 6 प्लस के पास है बट वो अभी के लिए फॉल बैक नहीं कर रहे हैं वो लोग हैं एक बात करें अभी के लिए नर्दर्न साइड से रोटेशन करते हुए दिखाई देना है स्क्वाड नंबर 3 के प्लस के ऊपर बट स्क्वाड नंबर 3 के प्लस ने भी फॉल बैक कर लिया सो अभी के लिए स्क्वाड नंबर 6 वर्सेस स्क्वाड नंबर 3 के प्लस के बीच में फाइट बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलेंगी बात करें अपने फर्स्ट ईयर ड्रॉप को एक बार चेकआउट करें तो गाइस चेकआउट करते अपने फर्स्ट ईयर ड्रॉप में AWM प्लस लेवल 3 का हेलमेट एंड वेस्ट हमें दिखाई दे रहा है लेट्स सी गाइस ये वाली AWM कौन उठाता है कौन है पट से हेडशॉट हमें मारता हुआ दिखाई देता है यहां बात करते स्क्वाड नंबर 12 के प्लस के बीच में भी स्क्वाड नंबर 12 वर्सेस स्क्वाड नंबर 5 के प्लस के बीच फाइट देखने को मिलेगी स्क्वाड नंबर 12 के अभी फोर्थ प्लेयर को फुल कैजुअलिटी दे रखे है स्क्वाड नंबर 12 के प्लस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रखा है क्योंकि स्क्वाड नंबर 5 के प्लस के पास माइन एडवांटेज वो लोग हैं स्क्वाड नंबर 12 के प्लस के ऊपर हमें धीरे धीरे क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं स्क्वाड नंबर 5 के प्लेयर्स चार्ट्स रिवील हो गई है बात मजाक करता हूँ मत कर स्क्वाड नंबर 5 क्लास ने स्क्वाड नंबर 12 के प्लेयर्स को बिल्कुल पनीर मसाला ने स्पॉट आउट कर लिया अब स्क्वाड नंबर 5 क्लास बिल्कुल मूड मार चुका है स्क्वाड नंबर 12 के प्लेयर्स के ऊपर क्लोजिंग करने मत कर रहा था स्क्वाड नंबर 12 के प्लेयर्स ने तो अभी तक बिल्कुल भी स्पॉट आउट नहीं करा स्क्वाड नंबर 5 क्लास एंड अभी के लिए ब्लड बुलेट ऐसे घूम रहे जैसे गार्डन में वॉक कर रहे हैं एंड बिल्कुल ऐसे ही घूम रहे हैं गार्डन में वॉक कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि स्क्वाड नंबर 5 के चारों के चारों प्लेयर्स उनके जस्ट पीछे चुके हैं लिटरली यार ब्लड बुलेट कैसे घूम रहे हैं मासूम से बटर क्लच श्री ने बीस्ट को नॉकआउट देकर फुल फिनिश आउट कर दिया स्क्वाड नंबर 12 के ब्लड बुलेट एंड मिकी को पता चल चुका है कि स्क्वाड नंबर 5 के प्लस ने स्लैम इन डाल दिया उनके ऊपर और के ब्लड बुलेट का आई थिंक बहुत ही बड़ा नॉकआउट मिल सकता है क्योंकि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं उनके जस्ट राइट में स्क्वाड नंबर 5 के पनीर मसालों के एक बहुत ही बड़ा क्लियर एंगल मिलेगा ब्लड बुलेट को बना मैंने पहले ही बोला था कि एंगल मिलेगा बहुत ही आत्मनिर्भर एंड हमें भी इजिली नॉकआउट दे सकता हूँ माइकी की बात करें माइकी तो नॉकआउट निकालने के ट्राई तक नहीं कर रहा है लिटरली जैसे मतलब लेट हुआ वैसे कि वैसे लेट हुआ हल्का सा भी हमें ट्राई भी यहाँ करते ही नहीं दिया था जैसा ब्लड बुलेट ने क्लच 3 को एक बहुत ही बड़ा नॉकआउट दिया बताया ट्रेड फायर में ब्लड बुलेट को भी 5 HP कर दिया ब्लड बुलेट को बिल्कुल पनीर मसाला के द्वारा नॉकआउट एंड फुल फिनिश आउट कर दीजिएगा मैंने पहले ही बोला था कि पनीर मसाला का बहुत ही ज्यादा ओपी एंगल मिलेगा स्क्वाड नंबर 12 के ब्लड के ऊपर अभी के लिए मिकी को 1 vs 4 क्लच करना है स्क्वाड नंबर 5 के प्लेयर्स के अगेंस्ट एंड डी वाला 1 vs 4 क्लच बिल्कुल नेक्स्ट इंपॉसिबल रहने वाला है कैसे ही वो लोग 1 vs 4 क्लच हमें करते हुए दे सकते हैं देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा स्क्वाड नंबर 5 क्लास स्क्वाड नंबर 12 के प्लस के ऊपर मैं क्लोजिंग करते हुए देंगे स्लैम ना करते दिखाई देना स्क्वाड नंबर 5 क्लास स्क्वाड नंबर 5 क्लास को पता क्या रहे आगे स्क्वाड नंबर 12 का लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग है लेट्स से मिकी के पास एक बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो स्क्वाड नंबर 5 क्लास को स्पॉट आउट करके इजिली नॉकआउट कर सकता है बात स्कार के कितना पीबी के यश को एक बहुत बड़ा नॉकआउट होता है एक बार उनके ऊपर भी हम लोग नजर बनाते हैं मतलब स्क्वाड नंबर 9 का के लिए यश के तो यश को नॉकआउट आतंकी की बात करें आतंक अपने टीममेट को कवर देने के लिए रिवाइवल मतलब ऐसा ब्लेड ने बहुत बड़ा डॉक्टर के बक्स को नॉकआउट बात कराया जाता के ऊपर अभी के लिए काफी ज्यादा प्रेशर बिल्डअप रखा है क्योंकि स्क्वाड नंबर 15 के सिल्वर या लेफ्ट से हमें फ्लैंक क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेट्स सी क्या सीन है बात करते अभी के लिए आतंकी ने अपने टीम में यश को इजीली रिवाइवल दे दिया विदाउट एनी प्रॉब्लम
स्वाजमन के लिए पैराडाइज रिसोर्ट पे रोटेशनल फाइट स्क्वाड नंबर 3 वर्सेस स्क्वाड नंबर 3 के स्क्वाड नंबर 6 से प्लेयर्स के पीछे दोबारा स्टार्ट हो चुका है। अभी इनके बीच में स्लैमिन देखने में बात किया जाए डॉक्टर बक्स को ब्लेड के द्वारा एक बहुत बड़ा नॉकआउट एंड फुल फिनिश आउट मिलेगा। स्क्वाड नंबर 10 वर्सेस स्क्वाड नंबर 23 के प्लेयर्स के बीच में फाइट स्टार्ट रखे। स्क्वाड नंबर 23 का अभी के लिए प्लेयर्स डुओ वर्सेस स्क्वाड में खेलते हुए ध्यान देना है। स्क्वाड नंबर 10 के प्लेयर्स का डुओ वर्सेस स्क्वाड खेलना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल रहने वाला है स्क्वाड नंबर 23 के प्लेयर्स के लिए। बट अभी के लिए स्क्वाड नंबर 23 के प्लेयर्स में लेफ्ट से थोड़ा सा जोन के अंदर जाने की टक्कर बट अभी के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल उनके ऊपर है क्योंकि डॉक्टर वेनम एंड प्रीतम दोनों प्लेयर्स स्प्लिट आउट रखे हैं। सो अभी के लिए उनको इजिली नॉकआउट एंड बात करें दिव्यांश को फॉल्टी डीएवल्स के द्वारा फॉल्टी डीएवल्स ने ट्रेड फायर में नॉटी और वॉट को नॉकआउट रहा। स्क्वाड नंबर 3 के नॉटी वॉट और एंड क्रिमसन लायन नॉकआउट रखे। स्क्वाड नंबर 6 से बात करें फॉल्टी डीएवल्स इज लास्ट मैन स्टैंड उसमें अपने टीम में आइकॉनिक को रिवाइवल देने के लिए आ चुके हैं। आइकॉनिक को रिवाइवल देने के बाद दिव्यांश को भी रिवाइवल देना एंड उसके बाद स्क्वाड नंबर 3 के प्लेयर्स के साथ फाइट हमें लेते दे देंगे फॉल्टी डीएवल्स एंड स्क्वाड नंबर 6 से प्लेयर्स। फॉल्टी डेविल्स के एचपी अभी के लिए 50 एंड हीलिंग्स का एक बैंडेज तक हमें देखने को नहीं मिल रही। दिव्यांश को ऊपर चलते थे जब के दिव्यांश बात करें दिव्यांश को रिवाइवल नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो स्क्वाड नंबर 3 के वजह से बिल्कुल मुंह पे नॉकआउट हुआ है। आइकॉनिक ने फर्स्ट टर्न पॉप आउट कर लिया। फॉल्टी डेविल्स को अभी के लिए 50 एचपी हेल्थ पे ही फाइट लेनी पड़ी। हम कह रहे थे क्रिमसन के लायन को यहाँ इजिली फिनिश ऑफ कर सकते हैं फॉल्टी के डेविल्स। लेट्स से अपना किल कन्फर्म करते हैं कि नहीं। अरे ब्रो ऐसे T3 कास्ट करते हो या कभी भी क्या है कास्ट? अरे ब्रो आपको पता ही तो नहीं है ब्रो मेरे बारे में। चैनल खोलो एंड देखो भाई कहाँ कहाँ कास्ट करा मैंने। जैसे मतलब फन टूर्नामेंट हो रहा है तो उसी वे में कास्ट करूँ ना या पूरे प्रोफेशनलिज्म में कास्ट करूँ। बात करें फॉल्टी डेविल्स को एक बहुत बड़ा स्क्वाड नंबर 3 के प्लेयर्स के द्वारा नॉकआउट मिला एंड डॉक्टर आइकॉनिक इज लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑफ टीम अगेंस्ट स्क्वाड नंबर 3 के प्लेयर्स। भाई चैनल खोल 120,000 रुपये का टूर्नामेंट भी कास्ट करा है 20,000 रुपये का टूर्नामेंट भी कास्ट करा है 50,000 रुपये का टूर्नामेंट भी कास्ट करा है एंड इवर कोरियन गर्ल्स की स्क्रीम्स भी कास्ट करे टूर्नामेंट भी कास्ट करे उनका इंडोनेशियन गर्ल्स की भी करे एंड आज मैंने INGL एंड इवन सोलो रश की भी जितने का भाई तेरे को नाम भी नहीं पता ना उतने की मैंने कास्टिंग करके छोड़ भी रखी है। बता दूँ अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगा उनका परमानेंट कास्टर हूँ 20,000 उनका डिस्कॉर्ड सर्वर है बता दो सॉरी 60,000 डिस्कॉर्ड सर्वर एंड 20,000 उनका इंस्टाग्राम है। ओ प्यारा हार्ट हाँ भाई पता ना हो ना तो मत बोला करो। 5,000 रुपये का टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत छोटी बात है। चैनल खोल के देख कास्टिंग देख 1,20,000 वाले में उसके बाद बोलना जिस हिसाब से इंटेंसिटी होगी उस हिसाब से मेरी कास्टिंग रहती है बता दो। और आपके जैसे हंसने वाला और हेटर्स खूब आते हैं और खूब जाते भी हैं मुंह बंद करना उनको बहुत अच्छे से आता है। बात करते हैं स्क्वाड नंबर 17 के लोन वुल्फ ने क्रिमसन लायन को एक बहुत ज़्यादा अपनी वी एस के द्वारा नॉकआउट दिया नॉटी और वॉट को भी स्पॉट आउट करके नॉकआउट देने की ट्राई करेंगे लोन वुल्फ। लेट्स सी नॉकआउट दे पाते हैं अभी चैनल खोला एंड अभी पता चल जाएगा एंड DM में आइयो हर एक टूर्नामेंट के एग्जैक्ट लिंक दे दो। मतलब ऐसा क्रिमसन लायन का किल बिल्कुल लोन वुल्फ ने कंफर्म कर लिया एंड लोन वुल्फ सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं बट फिर भी लोन वुल्फ ने 2 किल्स हासिल कर लिए अपने स्क्वाड के लिए तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। मैं स्क्वाड में 17 के लोन वुल्फ के लिए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है बता दो बुरा मत मानिए भाई 5,000 रुपये का ना टूर्नामेंट बच्चा है मेरे लिए बता दो बट वो मैं कर रहा हूँ क्योंकि अभी के लिए मैं फ्री हूँ एंड जिस मतलब जिन्होंने मेरे को कॉल करा था भाई वो मेरे दोस्त जैसे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ बता दो। सोलो रश का पता है सोलो रश की वीडियो खोल के देख मेरी कास्टिंग डाली है उसने 3,00,000 सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर है उसकी भी कास्टिंग करी है मैंने। जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नाम भी नहीं बताना उनको मैंने परमानेंट कास्टर बन के छोड़ भी रखा है बता दूं। तेरे जैसे हेटर्स बहुत आए हैं और गए भी हैं आज के टाइम पे किसी भी हेटर के अंदर इतना दम नहीं है कि भाई मेरे सामने कुछ बोल के दिखाया। बात करते हैं स्क्वाड नंबर 10 के सोहेल ने अपने टीममेट ब्लड को बहुत ज्यादा नॉकआउट कर दिया भाई इस मौली एंड सोहेल ने अपने ही पैर को बड़ा कुलाड़ी मार लिया। बट बात करते हैं अपने टीममेट बिल्कुल टीममेट को रिवाइवल नहीं मिल पाएंगे। सोहेल को एक बहुत ज्यादा पनीर मसाला के द्वारा नॉकआउट एंड फुल फिनिश आउट मिलेगा। नाइटमेयर इज लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑफ टीम अगेंस्ट स्क्वाड 5 का पनीर मसाला। लेट्स सी मतलब नाइटमेयर को स्पॉट आउट कर लीजिएगा भाई पनीर मसाला वन वर्सेस वन की फाइट है। लेट्स सी हु इज साइड देखने में काफी मजा आएगा। पनीर मसाला को भी फुल फिनिश आउट कर दीजिएगा अच्छा भाई कौन सी टीम का नाम है भाई तेरे साले अभी ना मेरे को गाली देने पे फोर्स मत कर आया समझ में। और बता दो वो 1,20,000 रुपीज का पेड टर्नी थी आया साले चूते तुझे कुछ पता भी है
सिर्फ आके भौंकना है। गाइस अब ब्लेड ने सिल्वर को बहुत ज्यादा एक नॉकआउट दिया, ब्लेड ने अपना किल भी हमें कंफर्म बिल्कुल ना सिल्वर का किल कंफर्म कर ले जाएगा बाय स्क्वाड में 10 के बेटा। आए समझ में चूते, तू सिर्फ भौंक रहा है इस टाइम पे, तुझे कुछ आइडिया नहीं है। मेरी स्ट्रीम खोल के देख, उसकी ना एंट्री भी पता है तेरी औकात है ना, जितना तेरा पूरा खानदान बिक जाएगा उतनी औकात में तेरा वो एंट्री फी है, ठीक है। 350 रुपीज़ एंट्री फी थी, वो भी स्टार्टिंग से। एंड बात करा ना ग्रैंड फाइनल्स का, ग्रैंड फाइनल्स का एंट्री फीस ना 2000 रुपये थी, वो पेड टूर्नामेंट था बता दूं मैं, 2000 रुपये देते भाई, उसमें ना किसी को भी इनविटेशन नहीं था बता दूं। आए समझ में, ये फेंकना है ना अपने बंदी को जाके फेंकियो, अपने दोस्तों के सामने फेंकियो। आए समझ में, मेरे सामने ना ज़्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, तेरे से ज़्यादा ज्ञान है मेरे अंदर। हाँ साले T3 खेल खेल के यहाँ ग्राइंड करना आते ना, T3 में मर जाता है टीम से और फिर हैकर हैकर बोलते हैं एनिमीज़ को। तू ना वो टीम में से है जो मरने के बाद ना एनिमीज़ को हैकर हैकर बोलते हैं। समझ में, एक साल से कास्टिंग कर रहा हूँ, तेरे जैसे 10 लौंडे देखे हैं और 10 लौंडे के ना गांड मार के घर पे भगा रखा उसको। आया समझ में, मेरा मुँह खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। तेरे जैसे 10 हेटर्स आए हैं स्ट्रीम पे, स्ट्रीम मेरी कोई भी स्ट्रीम खोल के देख ले, हर स्ट्रीम पे 2-3 डिसलाइक मिलेंगे बट लाइक्स 100-100। और मेरी एक वीडियो पे जाके देख ले 2000 लाइक्स है उसमें बता दूँ, और तेरे जैसे 3-4 हेटर आते हैं छक्के और जाके सिर्फ डिसलाइक करके जाते हैं, मेरा मुंह खुलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ डिसास्टर ऑफिशियल्स के भाई कहीं स्लॉट नहीं मिलता भाई, तो मेरी टंग स्लिप हो रही है भाई, मैं तो लाइनअप का नाम भी नहीं सुना भाई, कौन से भाई T3 के वो है तेरे पास अचीवमेंट्स बताइए। चल अपनी अब PMCO फॉल स्प्लिट 2020 फाइनलिस्ट बोल देगा, PMCO फाइनलिस्ट भाई, हर आज तक ना 1000 टीम देखे PMCO फाइनलिस्ट मैंने जो बोलती है अपने आप को। आया समझ में, तो वो ये भाई जो फन कस्टम्स में चिकन निकाल के अपने आप को ना जॉनसन समझने लगता है। हाँ रोज स्प्लिट स्किम्स खेलता हूँ, हाँ T1 प्लेयर है भाई। भाई खेलता है तो फिर अच्छी बात है, खेलो भाई, बट मेरी स्ट्रीम पे आके भाई हेट फैलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। T1 खेलना है, जो खेलना है खेलो भाई, अपने वहाँ खेलो दुनिया में, मेरी स्ट्रीम पे आके भाई कुछ मचाने की जरूरत नहीं। मेरी स्ट्रीम खोल के देख भाई, एक साल से कास्टिंग कर रहा हूँ, कास्टिंग देख उसके बाद बोलियो, जैसी लॉबी चल रही जैसे टूर्नामेंट चल रहा है वैसे ही कास्ट करूँगा ना भाई, या फिर T3 कास्टिंग में तेरे को 1 लाख रुपए वाले टूर्नामेंट के बाद। फिर ऐसा वुल्फी ने बहुत ज़्यादा जंगल का चीता को नॉकआउट किया, फिर ऐसा जंगल के टाइगर को भी बिल्कुल ना नॉकआउट कर दीजिएगा बाय स्क्वाड 1 के वुल्फी। एंड भाई सुन, मेरी DM आई हो, मैं दिखाऊंगा मेरे को कितने कितने पेमेंट और कितने कितने कास्टिंग पड़ी है, अभी भी करता नहीं हूं मैं। समझ में, जो तू वेट स्किम्स खेलता है ना उनकी कास्टिंग कर करके छोड़ रखे मैंने। जंगल के ईगल ने बहुत ज्यादा स्क्वाड 1 के वुल्फी को नॉकआउट किया, गोस्ट राइडर को, गोस्ट राइडर के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बिल्डअप रखा है, डेल्टा ओपी अपने टीममेट का कवर दे दिया, ईगल को फुल फिनिश आउट कर देगा स्क्वाड 4 के प्लेयर्स के बाद। स्क्वाड 4 जंगल ईस्पोर्ट्स का स्क्वाड 1 के प्लेयर्स ने काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से फिनिश आउट कर दिया विदाउट एनी कैजुअल्टी। अभी के लिए वुल्फी को नॉकआउट देखा बट आई थिंक वुल्फी का रिवाइवल मिल पाएगा, बट अभी के लिए स्क्वाड 1 के प्लेयर्स अपने टीममेट और वुल्फी को रिवाइवल बिल्कुल डेल्टा ओपी आ रखे हैं, बट डेल्टा ओपी को पता है कि यार जोन कितना ज्यादा डैमेज कर रहा है, तो स्क्वाड 1 के प्लेयर्स अभी के लिए जोन के अंदर हमें रोटेशन यहां करते हुए दिखाई देंगे। अरे भाई सुन, तेरे जैसे को ना मैं कुछ बोल के ना अटेंशन भी नहीं देना चाहता, मैं बोलता ना 1 सेकंड में मेरा मॉडरेटर ना तुझे बैन कर देता चैनल से, ठीक है, बस मेरा मूड नहीं है भाई। आए समझ में, और चल भाई ठीक है मैं T3 कास्ट करता हूँ, बस मैंने बोल दिया हो गया, बस तुझे ये सुनना था ना मैं T3 कास्ट करता हूँ बस, अभी ना 10 गाली दे सकता हूँ भाई ईजी, और इतनी गंदी छाप लूँगा ना अच्छे से बिल्कुल खोल के ले लूँगा, बट मेरा मन नहीं है भाई। आए समझ में, इसलिए खुश हो जाओ अभी कि मेरा मन नहीं है, मूड में नहीं हूँ मैं, वरना भी रोते रोते घर जाता। और भाई कास्टिंग चल रही है इसलिए, और पढ़े लिखे लोगों के तेरे जैसे अनपढ़ लोगों के मैचेस नहीं चल रहे बता दूँ, सारे के सारे डॉक्टर्स देख रहे हैं, एक तो तेरी वजह से मेरे को गाली देनी पड़ गई बेफालतू में भाई, इसलिए प्लीज़ कह रहा हूँ अब और मत लिखना, और गाली देना नहीं चाहता भाई। क्या नाम है आपका? अब मैं प्यार बहुत अच्छे से आता हूँ ब्रो, बराठे ब्रो, आप कुछ मत करना। ओके ब्रो, अब मेरा मुंह खुलवाओ मत, क्योंकि अच्छे अच्छे फैमिली से अच्छे अच्छे बच्चे आके यहाँ स्ट्रीम देख रहे हैं, खेल रहे हैं वो, ठीक है, सारे MBBS के पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, तो मेरा प्लीज़ आप मत करवाओ मेरी, और मेरे को गाली देनी पड़ेगी फिर, इसलिए प्यार से स्ट्रीम देखनी है देखिए, वरना चैनल से बैन करवा दूंगा अपने मॉडरेटर से 1 सेकंड में बोल के, बट वो तो मेरा मन नहीं था किसी को ऐसे बैन वैन करने का। ओके ब्रो, जो भी हुआ भूल जाओ,
ठीक है, अभी मेरे को ना मेरा मूड ख़राब करवाना है ना किसी और का, क्योंकि स्ट्रीम देखने आते लोग अपने मैच देखने का, लड़ाई देखने के लिए नहीं आते, इसलिए एक वर्ड और कुछ लिखा सीधा भाई बैन मिलेगा, पहले बता देता हूँ, मेरा मॉडरेटर सीधा बैन दे देगा। प्यार से बैठ के स्ट्रीम देखने हैं, देखो स्ट्रीम डिसलाइक करनी है नो प्रॉब्लम, लिख माय लैंड को बहुत प्यारा स्कोर में नाइन की स्टार एक्स द्वारा यहाँ इजीली फिनिश ऑफ मिल जाएगा। स्कोर में नाइन प्लस का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गेम प्ले एंड काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग गेम प्ले, मैं देखें बड़ा 6 किल्स हासिल कर रखे हैं वो भी विदाउट एनी कैजुअल्टी। अरे भाई सुन, हो गया भाई अब दोबारा मत बोल यार प्लीज, मैं लिटरली मूड में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द मूड राइट नाउ। छोड़ भाई तेरे जैसे हेट चाहिए ही नहीं भाई, बस टाटा बाय बाय ध्रुव, रो जाओ अब घर जाओ। बाय ब्रो, कल आना ब्रो, कल आना, रात हो गई सो जाओ, मम्मी बुला रही है। अरे ब्रो सो जाओ, रात हो गई है बहुत, सो जाओ घर जाओ, अब घर जाओ ठीक है, रात हो गई मम्मी बुला रही है, जाओ दूध पी लो मम्मी का और सो जाओ, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, मम्मी बुला रही है, दूध मम्मी का दूध पी लो और सो जाओ जाके, अब दोबारा कोई मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कर कैसे पाओगे। So guys, now let's talk about the game. Top 8 teams and 20 rupees players are live score. में टुकड़ा डीमन लियो को एक बहुत बड़ा ट्रेड फायर में नॉकआउट कर दिया जाएगा, बट गाइस करना रियूस एंड डीजी अपने टीम में था, लियो को इजीली रिवाइवल दे देंगे वो भी विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये बात करें अभी के लिए जोन के अंदर भी रोटेशन करना है, 25 seconds के अंदर जोन स्टार्ट हो रहा है, अगर यहाँ लियो को रिवाइवल नहीं मिला सही टाइम पे सो यहाँ लियो को जोन के द्वारा ही फिनिश आउट होना पड़ जाएगा, वुल्फी को भी यहाँ इजीली फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। बात करें सौ में 7 प्लस की तो 7 प्लस अभी एकदम है, जोन के एचपी दिखाई दे रहे हैं, बात करें अभी उनके तीनों तीनों प्लस अलावे विद जीरो के साथ 1 HP के डेल्टा ना ड्रिजी को एक बहुत बड़ा ट्रेड फायर में नॉकआउट दे दिया, स्क्वाड में टू गन ड्रिजी को एंड ड्रिजी को डेल्टा ओपी की तरह फुल फिनिश आउट भी कर दिया जाएगा। स्क्वाड 1 के डेल्टा ओपी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं बट फिर भी काफी ज्यादा बेहतरीन गेम मिला, मैं स्क्वाड 1 डेल्टा ओपी के द्वारा देखने को मिल रहा है। भाई एक बात बोलूंगा ठीक है, जो तूने आके मतलब दूसरे के स्ट्रीम पे हेट फैलाया ना, तुम जैसे छक्के लोग बस यही कर सकते हैं भाई, भाई क्या दुश्मनी है, तू मेरे को जानता भी नहीं है लिटरली, ध्रुव भाई आप मेरे को जानते भी नहीं हो, बट स्ट्रीम पर आके हेट फैलाना ज़रूरी था, नहीं बता दो ज़रूरी था भाई, स्ट्रीम देखते जाओ नहीं अगर नहीं एंटरटेन हो रहे स्ट्रीम पे, नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक करो भाई, कौन मना कर रहा है, मैंने तो नहीं बोला डिसलाइक मत करो स्ट्रीम को, डिसलाइक करो चैनल को, अनसब्सक्राइब करो, रिपोर्ट कर दो भाई, मन कर रहा है तो रिपोर्ट कर दो, बट मत कर ऐसा, कर्न को बिल्कुल 1 HP के डेल्टा ऑप की ज्यादा स्पॉट आउट करा एंड डेल्टा ऑप पे अपना किल कंफर्म करने के एंड बिल्कुल डेल्टा ऑप पे अपना किल कंफर्म कर ले, बेटा जोन काफी ज्यादा डैमेज दे रहा है डेल्टा ऑप को, तो अभी के लिए डेल्टा ऑप अपनी फर्स्ट एड पॉप आउट इन चैन, बिल्कुल डेल्टा ऑप अपनी फर्स्ट एड पॉप आउट कर ले, मतलब यार डिसलाइक करो, मेरे चैन को रिपोर्ट तक कर दे भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, रिपोर्ट तक कर दे बट हेट मत फैला भाई ठीक है। और लोग भी आते हैं स्ट्रीम पे जो एंटरटेन होने आते हैं, जिनका मतलब टीम है, जो ओनर है, मैनेजर है, जो भी है यार, वो स्ट्रीम पे आते हैं, उनका मूड मत खराब कर, मेरा मूड मत खराब कर, डिसलाइक कर भाई स्ट्रीम को, अपने पूरे खानदान के फ़ोन से डिसलाइक करा मेरे चैनल को, अनसब्सक्राइब करा, कोई मना नहीं कर रहा, गाली बट गाली मत दे भाई स्ट्रीम पे एंड कुछ हेटफुल मत दे, बस ये बोलूंगा। स्क्रोन रैंक की बात करें RSQ के अभी क्या क्रिश को नॉकआउट दिया था उनके टीम बेटा, यश ने उनको वहाँ बिल्कुल रिवाइवल दे दिया, ना इट्स ओनली एंड ओनली बिटवीन टॉप 6 टीम्स स्क्वाड 1 का डेल्टा ओपी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा है, स्क्वाड 2 के डीमन लियो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा है, स्क्वाड 3 के 3 प्लेयर्स आर अलाइव, स्क्वाड 7 का डुओ अलाइव, स्क्वाड 19 का भी डुओ अलाइव है, स्क्वाड 70 का लोन वुल्फ अभी खेला अलाइव है। बात करें अभी क्या सबसे ज्यादा एडवांटेज स्क्वाड 3 के प्लेयर्स के पास है, मैन एडवांटेज स्क्वाड 3 के प्लेयर्स के ऊपर हमें बनती है, तो वो लोग इजिली एनिमीज को इजिली फिनिश अप कर सकते हैं वो भी उट एनी कैजुअलिटीज, क्योंकि बात करें RSQ के क्रिश को एक बहुत ज्यादा बिलीव ने नॉकआउट दिया है, नजर बनाते हैं, बात करें टॉक्सिक ने भी अपना किल कंफर्म कर लिया है, बात करते हैं गाइस अभी क्रिश को नॉकआउट रखा, यश इज लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑफ टीम, ठीक है भाई बस यही बोलूंगा, ध्रुव भाई आराम से यार डिसलाइक कराओ चैनल को, रिपोर्ट करो बट हेट मत फैलाओ, बिल्कुल भाई पीस आउट, मतलब पीस रखो भाई, दुनिया भाई बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत छोटी है, कुछ नहीं पता कब हो जाए भाई कुछ, इसलिए कह रहा हूँ।
एडवांटेज स्क्वाड नंबर 3 के प्लेयर्स के ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है। बात करें स्क्वाड नंबर 7 के, बिलीव ने क्रेश को स्पॉट करके 10 HP कर दिया है। यहाँ बिलीव अपना किल भी कंफर्म करने दिखाए हैं, यहाँ यश को भी बिल्कुल स्पॉट आउट कर जाएगा। बात करिए गाइस, यश को बिल्कुल बिलीव के द्वारा नॉकआउट मिलेगा। क्रिश इज लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑफ टीम अगेंस्ट स्क्वाड नंबर 7 के डू। लेट्स गेट द बिलीव क्लोजिंग कर रहा है क्रिश को। बात करिए गाइस, बहुत तरह क्रिश ने क्रिश को 5 HP एंड स्क्वाड नंबर 7 के बिलीव ने स्क्वाड नंबर 9 के प्लेयर्स को इजीली फिनिश ऑफ कर देना। इट्स ओनली एंड ओनली बिटवीन स्क्वाड नंबर 3 वर्सेस स्क्वाड नंबर 7 का डू, डू वर्सेस ट्राई की फाइट। अभी के एडवांटेज है स्क्वाड नंबर 7 के बिलीव एंड लूसिफर के ऊपर एंड ऑन द अदर हैंड स्क्वाड नंबर 3। बात करिए मयूरेश टॉक्सिक एंड नॉट योर के प्लेयर्स के पास एक प्लेयर एडवांटेज में बिल्कुल बिल्कुल दिखा रहा है। 3000 स्क्वाड नंबर 7 के पास क्लोजिंग कर रहे हैं स्क्वाड नंबर 3। बिलीव ने बहुत ज्यादा मयूर को नॉकआउट किया। इट्स ओनली एंड ओनली बिटवीन नॉटी और व्हाट टॉक्सिक वर्सेस स्क्वाड नंबर 7 के बिलीव। 3000 स्क्वाड नंबर 7 के लूसिफर के ऊपर टॉक्सिक का एक बहुत बड़ा नेड आया। बिलीव इज लास्ट मैन स्टैंडिंग टीम अगेंस्ट स्क्वाड नंबर 3 का डू। तो अभी के बिलीव को अपने टीममेट को रिवाइवल भी देना है, बट अपने टीममेट को रिवाइवल नहीं देंगे पाएंगे। टॉक्सिक ने क्लोजिंग कर दिया। 3000 बिलीव ने बहुत बड़ा टॉक्सिक को नॉकआउट किया। लेट्स सी, नॉट्स नॉट ही वर्सेस बिलीव, वन वर्सेस 1 के बैठे। लेट्स सी, आई बिलीव फिनिश ऑफ कर पाते नहीं। बात करें अभी के लिए बिलीव को स्पॉट होकर बिलीव के एचपी का मैन, बिलीव ने बहुत ही प्यारा ओवर वर्सेस टू क्लच करके स्क्वाड नंबर 3 के प्लेयर्स को फिनिश ऑफ करके काफी ज्यादा बेहतरीन चिकन निकाला है। मतलब बिलीव के पास हमें 7 किल्स देखने को मिला है। 7 किल्स के बाद पीबी के प्लेयर्स ने काफी ज्यादा डोमिनेटिंग गेम प्ले निकाला है। बात करें बॉट मयूरेश वाले स्क्वाड के पास भी हमें 7 किल्स देखने को मिले। 7 किल्स के साथ वो लोग भी यहां सेकंड पोजीशन पर हमें एंड अप होते हुए दिखाई दे। बात करें आरएसक्यू प्लेयर्स की, तो उनके एक बार किल्स काउंट कर लेता हूं मैं। बात करते हैं गाइस, वो लोग भी यहाँ 11 किल्स के साथ थर्ड पोजीशन पर एंड अप। सबसे ज्यादा किल्स हमें स्काई स्टारक्स वाले प्लेयर्स के पास देखने में। बात करें ऐसा डेल्टा ओपी वाले प्लेयर्स के पास, बात करें 7 किल्स हमें उनके पास भी देखने में। फोर्थ पोजीशन पर वो लोग यहाँ एंड अप। बात करें ऐसा डीमन लियो वाले के पास, स्क्वाड के पास भी हमें 4 किल्स के साथ 5th पोजीशन पर एंड अप। बात करें लोन वुल्फ भी हमें 3 किल्स के साथ 6th पोजीशन पर एंड अप। बात करते हैं ऐसा निक्की वाले भी हमें 1 किल्स के साथ 7th पोजीशन पर एंड अप। एंड स्कार के किट्टू की बात करें, तो आज के दिन पर हमें किट्टू का काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउनफॉल देखने को मिल रहा है गेम प्ले में। लास्ट वाले कल वाले मैचेस में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग गेम प्ले दिखाया था, बट इस वाले मैचेस में उनका थोड़ा बहुत है डाउनफॉल गेम प्ले जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मतलब जैसा लिख माए बॉल वाले के यहाँ 0 किल्स हैं, उनके डॉक्टर वैनम के भी 0 किल्स हैं, बाकी सारी टीम्स का हमें 0 किल्स देखने को मिल रहा है। नाइट वॉर वाली स्क्वाड के पास हम पूरे पूरे 6 किल्स देखने को मिल रहा है। और जैसा क्लच वाली श्री के प्लेयर्स की भी एक बार सोच, उनके भी हमें 4 किल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारे टीम्स के बिल्कुल बिल्कुल यहाँ 0 किल्स है। तो गाइस अभी स्ट्रीम से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी बार दोबारा बोल रहा हूँ, स्ट्रीम से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रीम पे बने रहे क्योंकि आपको अभी के लिए थर्ड मैच बिल्कुल बिल्कुल यहाँ देखने को मिलेगा। सो स्ट्रीम से कहीं भी जाइए मत, स्ट्रीम पे बिल्कुल बने रहिए। Take me to a world of silver.
hurts and starting fights. Turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks.
सो वेल हेलो एवरीबॉडी, बिलीव ओपी कास्टिंग भाई अरे थैंक्स ब्रो, थैंक्स अ लॉट, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए बस। बात करते अपना थर्ड एंड फाइनल मैच है आज का, बात करते हैं एंगल का मैच है 50 प्लेयर्स एंड बात करते हैं टीम्स, हमें विदिन विदिन थोड़ी सी देर में पता चल जाएंगी। सो अभी के लिए बात करें जब प्लेन पाथ के ऊपर नजर डालते हैं, प्लेन पाथ ऐसे वर्नी से लेके प्रेम हाउस तक का, प्लेन पाथ में हमारा रोज ऑक स्कूल अपार्टमेंट्स रोज पुचिंग की सिवर्नी जॉर्जपुल जॉर्जपुल सिटी जॉर्जपुल टाउन गट का प्रेम हाउस जैसे काफी सारे हॉट ड्रॉप्स आ रहे, तो कैसे हॉट ड्रॉप फाइट्स रोटेशनल फाइट्स गन फाइट्स एंड इवन हॉट ड्रॉप क्लैशेस भी बिल्कुल हमारे टीम्स के बीच में देखने मिले। जो भी स्ट्रीम पे ना रहे फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना यार, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे बस। सो एज अभी के लिए हमें सिवर्नी में क्लैश देखने को नहीं मिल रहा, ओनली एंड ओनली स्क्वाड में 7 प्रीतम वाली स्क्वाड की बात करें, अभी के लिए हमें स्क्वाड में 10 वर्सेस नहीं गाइस स्क्वाड में 10 के प्लस अभी के लिए मैं वाटर सिटी आते हुए दिखाते, तो उनके बीच में भी हमें क्लैश देखने को नहीं मिल रहा, यसना में भी क्लैश देखने को नहीं मिल रहा, रोजॉक में भी नहीं, पुचिंकी में भी नहीं, प्रीमॉस्ट में भी नहीं, एक्चुअली हमें अभी के लिए तो कहीं भी क्लैश देखने को नहीं मिल रहा, थोड़ी सी देर की बात है 10-15 मिनट बाद, उसके बाद आपको फुल बूम बम वाली फाइट्स देखने मिलेगी, जब तक आप लोग स्ट्रीम पर बने रहिए एंड वेट करते रहिए, मतलब वेट करते रहिए, मतलब थोड़ी बहुत फाइट्स देखने को मिलेंगे बट जो बिल्कुल यार अच्छी लॉबी होते हैं वो आपको थोड़ी देर बाद मिलने देखने को मिलेंगी। सो बात करें स्कोर में 13 के एग्जिबिट लिख मैं बॉल एंड लिख मैं लड़की, तो अभी के लिए उनके पास है बगैन, देखते हैं गाइस वो लोग अगर यस ने हम रोटेशन करते हैं, तो अभी के लिए यस ने हमें स्कोर नंबर 3 के बेस्ट देखने को मिल रहा है, लेट्स सी स्कोर में 13 वो ऐसे स्कोर नंबर 3 के बेस्ट के बीच में क्लैश देखने को मिलता है कि नहीं। 11:40 हो गए, मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो गई, अब खत्म बिल्कुल। इरांगल का यार सैनॉक का मैच होता है यार लिविक का रहता है परफेक्ट था क्योंकि 50 प्लेयर्स की लॉबी आई है। सो गाइस अभी तो हमें किसी भी टीम के बीच में कहीं भी क्लैश या फाइट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही, तो गाइस आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपको वहाँ बिल्कुल बिल्कुल टीम के बीच में फाइट देखने को मिलेगी। ग्राफिक ओपी बोलते हैं, अरे ब्रो बस क्या ही बोलूँ यार, मतलब एक बात बताता हूँ आपको, अभी रुकना मतलब इतना हाई एंड गेमिंग पीसी है ना, मतलब BGMI लिटरली सिर्फ 2 GB का भी नहीं है एंड मैंने 100 GB का GTA 5 ना अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स पे चलाता हूँ मैं, ठीक है अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स पे 100 GB का GTA 5, बट जो मतलब एमुलेटर में यूज़ करता हूँ ना BGMI के लिए
और पूरा का पूरा मतलब BGMI PC पे सिर्फ एक ही ऐप के थ्रू चलता है। ऐसा नहीं है कि यार हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। ये देखो ये ऐप है जो दिखाई दे रहा है ना आपको कोने कोने में, ये ऐप है एक पूरी। सो सिर्फ एक ही ऐप से चलता है। बिग फैन ऑफ गोस्ट राइडर बिल्कुल। सो सीन क्या रहता है यार मतलब, और ये ऐप इतनी घटिया ना भाई, इतना हाई एंड इतना महंगा पीसी होने के बाद भी ना फ्रेम ड्रॉप्स तो बिल्कुल देखने को मिलते ही मिलते हैं। मतलब यार अब कोई और ऑप्शन ही नहीं है दूसरा BGMI चलाने का, ये समझ लो ये लास्ट ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है। इसलिए मतलब 100 GB का GTA 5 इस 2 GB से ज़्यादा अच्छा चल जाता, बट ये अच्छा ना चलता। बिग फैन ऑफ गोस्ट राइडर बिल्कुल बिल्कुल, बिग फैन ऑफ गोस्ट राइडर। ऐसा सीन है मतलब भाई कि मतलब यार इतना मस्त चलता है अपना, बस क्या ही बोलूँ यार, इतना मस्त बूम बाम चलता है GTA 5 100 GB का, बट ये 2 GB का छुटकू सा BGMI ना चलता। मतलब चलता है बट अच्छे से नहीं चलता पूरा। भाई Team 11 का प्लेयर हैकर है ब्रो, आपके पास POV है उसका सार्थक ब्रो? POV है मतलब POV, अब मैं बताता हूँ POV क्या होता है, आपको शायद पता ना हो तो मैं एक बार बता दूँ। अब इट हाँ अभी ठीक है भाई, बात में बिल्कुल दम है भाई। अच्छा बिली हैकर है, एक सेकंड में चेकआउट करता हूँ। यार थोड़ा सा मेरे को ऐसा गेम पे हल्का फुल्का बिलीव कैसे देखने को मिला, क्योंकि जिस लेवल पे बिलीव मार रहा था ना एनिमीज़ को, मतलब भाई गॉड लेवल प्लेयर लग रहे थे। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हैकर है, सो आप जब मरे हो तो पहले मेरे को बताओ, जब आप मरे हो एंड आपको मतलब डेथ कैम की आपने वीडियो रिकॉर्ड करी है कि नहीं, जब आपको मारा गया आपने अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करा है कि नहीं, ये बता दो। एंड जब आप मरे थे आपने जब रिकॉर्ड करा है अपना डेथ कैम मरने के बाद, कुछ भी रिकॉर्डिंग है जिसमें हैकर का लग रहा है कि हाँ भाई हैकर है ये स्क्वाड में लेन के बिलीव, तो बताओ, क्योंकि बिना प्रूफ के नहीं बैन कर सकते बिलीव को, प्रूफ चाहिए ही चाहिए। या तो आप मतलब जो भी जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना इनको, पबजी का बताओ, GTA बाद में खेल लेंगे। हाँ पबजी का ही तो बता रखा है भाई। तो अगर बिना प्रूफ के हम ऐसे किसी को बैन नहीं कर सकते, जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है जो मेन है, मतलब जिनका भी मतलब पॉज गेमिंग का जैसे पैसा वैसा लग रहा है, एंड जिसका भी सीन है ना, उनको जाओ एंड बोलो, ठीक है, उनको बोलो, उनके वो ही कुछ कर पाए, सॉरी मैं कह रहा हूँ वो ही कुछ कर पाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा इस वाले केस में। मैं सिर्फ रेफ़र कर सकता हूँ उनको, एंड आपके पास कुछ प्रूफ प्रूफ है तो वो बताओ। क्योंकि ऐसे किसी को बैन नहीं कर सकते यार। रिकॉर्डिंग कहाँ भेजो? रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग ऐसा करो, पहले तो मेरे को भेज दो, थोड़ा सा मैं भी इंस्पेक्ट कर लूँगा। 8860413 मेरे को इस नंबर पे भेज दो अभी, जेठालाल मेरे मॉडरेटर ने मैसेज करा होगा। 8860413 इस नंबर पे भेजो, मैं अभी स्ट्रीम पे लाइव देख के और लाइव ही डिसीजन देखता हूँ, मतलब बताता हूँ थोड़ा, मतलब जो लोग देख रहे हैं उनको भी मज़ा आएगा कि मतलब हैकर है क्या सीन है। थोड़ा जल्दी से सेंड अभी के अभी सेंड करो आज जल्दी से, या फिर ऐसा करो मैं स्ट्रीम, अरे मैं स्ट्रीम पे दिखा देता हूँ, बेस्ट है बिल्कुल। मेरे को ऐसा करो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं स्ट्रीम पे दिखा देता हूँ, सारे लोग देख लेंगे, सारे के सारे लोग अपना डिसीजन बता देंगे, क्योंकि अभी फाइट वाइट नहीं हो रही है, बोर ही हो रहे हैं सब, इसलिए कह रहा हूँ। जल्दी से मेरे को व्हाट्सएप पे DM करो इस नंबर पे 8860413703 पे, मैं स्ट्रीम पे मतलब चलती हुई स्ट्रीम पे अभी दिखा दूंगा। सो सारे मतलब जितने भी लोग खेल रहे हैं वो बता देंगे क्या डिसीजन है।
ब्रो अभी तक वीडियो नहीं आई। वुल्फी भाई देख भाई क्या हो गया, जेके एडिट्स ब्रो। मैं स्ट्रीम पे ही दिखा देता हूँ ब्रो, जैसे कि मतलब बेटर है। क्योंकि मैं स्ट्रीम पे दिखा दूंगा तो जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी सब अपना डिसीजन बता देंगे कि मतलब उनका भी क्या है, उनको हैकर लग रहा है कि नहीं। क्योंकि मेरे को ऐसा हैकर का गेम प्ले तो ऐसा लगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल ही वो मार रहे थे मतलब। बट अगर कोई बोल रहा है प्लेयर तो यार सुनना बिल्कुल, मतलब यार सुनेंगे ज़रूर। क्या बात कर रहे हैं, स्क्वाड में 9 वर्सेस स्क्वाड में 7 खिलवास के बीच में 4 वर्सेस 4 के यहाँ फाइट अब है। आई थिंक हमारा देखने को मिल सकते, किसी के पास भी कोई भी एडवांटेज डिसएडवांटेज या कैजुअलिटीज अभी के लिए नहीं है। लेट्स सी फाइट कब होता है एंड कब हमारा फाइट्स टीम्स के बीच में देखने को मिलती है। सो मेरे को ऐसे DM करो ठीक है, मतलब अगर करना हो। आई डोंट थिंक आने वाला है मैसेज, बट लेट्स सी। टॉर्क ने फाइनली एक नॉकआउट किया, फर्स्ट ब्लड फाइनली हमारा फाइट, मतलब मैं कितना खुश हो गया अब कि यार फाइनली फाइट देखने मिल रहा है। स्क्वाड नंबर 11 के लूसीफर को नॉकआउट देकर कर्स को यहाँ फुल फिनिश आउट कर दिया। एंड गाइस अभी के लिए कई सारे प्लेयर्स बोल रहे थे कि भाई बिलीव हैकर है, बिलीव हैकर है। अब हमें पता चल जाएगा कि बिलीव हैकर है कि नहीं, बस देखते हैं ऐसा क्या सीन होता है। बस गाइस अभी के लिए बिलीव के लूसीफर को 5 चिकर रखा है। लूसीफर कैसे ना कैसे करके यहाँ फॉल बैक कर लिया है। तीनों की तीनों प्लेयर्स के पास ओनली एंड ओनली एक ही बगी है, अभी के लिए एक ही बगी में मैं सर्वाइव यहाँ स्क्वाड नंबर 11 के प्लेयर्स यहाँ करती देना। मैं अभी के लिए जोन से डैमेज खाएंगे बिल्कुल। लेट्स सी गाइस क्या ही सीनेरियो हमें यहाँ देखने मिल रहा है। स्क्वाड नंबर 11 के प्लेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा, वुल्फी भाई बिग फैन बिल्कुल अक्षय यादव ब्रो। सो ऐसे पिछले स्क्वाड में 11 के प्लेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा फॉल बैक कर लिया, काफ़ी ज़्यादा दूर से रोटेशन करना स्टार्ट किया था क्योंकि उनके फोर्थ प्लेयर को कर्न को फुल फिनिश आउट कर दिया था। एंड PB के प्लेयर्स को आइडिया था कि यार अभी के लिए फाइट लेंगे तो रिस्क में रहेंगे क्योंकि एक प्लेयर को कैजुअलिटी मिल रखी है, जोन भी डैमेज दे रहा है, जोन भी आ चुके, तो अभी के लिए फटाफट से पीछे से फॉल बैक कर लेते हैं यही बेटर रहेगा। बट मतलब स्क्वाड में 11 के प्लेयर्स के बीच हमें रोटेशनल फाइट्स यहाँ देखने को मिल सकता है। PB के लूसीफर ने स्क्वाड में 15 के प्लेयर्स को स्पॉट आउट करा। लेट्स यहाँ क्या सीनेरियो रहता है। अभी के लिए स्क्वाड में 11 के प्लेयर्स थोड़ी बहुत यहाँ लूट कैपिटलाइज कर रहे हैं क्योंकि स्क्वाड में 11 के प्लेयर्स के पास इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कम हमें यहाँ लूट देखने मिल रहा है, बिल्कुल ना के बराबर। क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है स्क्वाड में 11 के प्लेयर्स के ऊपर, तो अभी के लिए छोटे मोटे कंपाउंड्स का लूट कैपिटलाइज कर रहे हैं। उसके बाद हमें फाइट लेते हुए दिखाई देंगे स्क्वाड में 11 के प्लेयर्स। बात करना टीम्स टॉप 14 टीम्स आर लाइव एंड 49 प्लेयर्स
सो लेट्स सी गाइस द फाइट्स कब एंड कौन से टीम के बीच में देखने को मिलती है। स्क्वाड नंबर 7 वर्सेस स्क्वाड नंबर 9 के पास के बीच में 4 vs 4 का क्लैश हमें देखने को मिल सकता है। किसी के पास भी कोई भी एडवांटेज डिसएडवांटेज या कैजुअलिटीज अभी के लिए मैप बनते हुए नहीं दिखाई देंगी। अभी के लिए स्क्वाड नंबर 9 प्लस ने हमें अपार्टमेंट्स होल्ड करते दे रहे बट स्क्वाड नंबर 7 के प्लेयर्स ने भी क्लोजिंग कर दिया स्क्वाड नंबर 9 के प्लेयर्स के ऊपर। तो यहाँ 4 vs 4 का फाइट बिल्कुल यहाँ स्टार्ट हो चुका स्क्वाड नंबर 7 वर्सेस स्क्वाड नंबर स्क्वाड नंबर 9 वर्सेस स्क्वाड नंबर 3। को बिल्कुल ऋषि ने स्पॉट आउट कर लिया, हल्का सा नॉकआउट भी देने की ट्राई करें। लेट्स सी वहाँ कब नॉकआउट है। यहाँ स्क्वाड नंबर 7 के बेस को पर अभी के लिए थोड़ा बहुत यहाँ प्रेशर बिल्डअप हो रखा है क्योंकि स्क्वाड नंबर 7 के बेस को भाई बाकी टीम भी दिखा दे। ओके बिल्कुल दिखाता हूँ क्योंकि स्क्वाड नंबर 7 के बेस को अभी के लिए बिल्कुल भी आइडिया नहीं है स्क्वाड नंबर 9 के बेस का, एंड स्क्वाड नंबर 9 के बेस को बिल्कुल आइडिया है स्क्वाड नंबर 7 के बेस का, क्योंकि स्क्वाड नंबर 7 के बेस इस टाइम पे ओनली एंड ओनली एक ही अपार्टमेंट हमें होल्ड करते दे रहे हैं। स्क्वाड नंबर 9 के बेस इस टाइम पे पूरे के पूरे स्प्लिट आउट रखे क्रिश इस वाले में, स्टार एक्स वाले में, यश इस वाले में, आतंकी होते चारों के चारों प्लस अलग अलग अपार्टमेंट्स में। तो इस टाइम पे स्क्वाड नंबर 9 के बेस काफी ज्यादा स्प्लिट आउट रखे हैं अभी के लिए स्क्वाड नंबर 7 के प्लेयर्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है स्क्वाड नंबर 9 के प्लेयर्स की लोकेशन का। एंड बिल्कुल सारांश घाई को आप पनीर मसाला के द्वारा एक नॉकआउट मिल जाएगा। सारांश घाई अपने टीममेट से काफी ज्यादा स्प्लिट आउट रखा है, उनके टीममेट उनसे काफी ज्यादा दूर है। सारांश घाई को पनीर मसाला के द्वारा फुल फिनिश आउट भी कर देगा। 5 के पनीर मसाला ने खाता खोल लिया अपना एंड अपनी स्क्वाड का। पनीर मसाला स्क्वाड नंबर 8 के प्लेयर्स को बाकी के गाइस प्रीतम ने बहुत क्रिस को नॉकआउट है। फाइनली फाइट हमें देखने को मिली है स्क्वाड नंबर 9 वर्सेस स्क्वाड नंबर 8 कितना स्क्वाड नंबर 7 का प्लेयर ने स्क्वाड नंबर 9 का क्रिस को फुल फिनिश आउट कर दिया। स्क्वाड नंबर 7 के प्लेयर्स बात करें वेनम की, वेनम एंड उनके टीममेट बक्स लास्ट का बक्स को नॉकआउट कर रहा है। वेनम इज लास्ट में स्टैंडिंग एंड स्क्वाड नंबर 7 के प्लेयर्स को स्क्वाड नंबर 9 के प्लेयर्स के द्वारा इजीली फिनिश आउट कर दीजिएगा विदाउट एनी कैजुअलिटी। नहीं गाइस एक कैजुअलिटी बिल्कुल ना देनी पड़ गई अपने टीममेट क्रिश की कैजुअलिटी, तो ये वाली कैजुअलिटी स्क्वाड नंबर 9 के प्लेयर्स को काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है। अभी के लिए स्क्वाड नंबर 12 वर्सेस स्क्वाड नंबर 8 के प्लेयर्स के बीच में यहाँ फाइट हमें देखने में 3 vs 2 का सिनेरियो है स्क्वाड नंबर 8 के प्लेयर्स के ऊपर। गॉड से को बिल्कुल एक बहुत ज्यादा बीस्ट के द्वारा नॉक एंड फुल फिनिश आउट मिलेगा। स्क्वाड नंबर 12 के बीस्ट माइकी एंड बुलेट तीनों के तीनों प्लस एक ही जगह कैम कर रहा है। टैन मैक्स ने बहुत ज्यादा बुलेट को नॉकआउट किया था। बात करते हैं भाई माइकी एंड बीस्ट अभी भी सर्वाइव कर रहा है। टैन मैक्स को अभी के लिए मैक्स 1 vs 2 एक और क्लच करना है। स्क्वाड आर्मद कर रहा है मैक्स को बहुत ज्यादा स्क्वाड नंबर 12 के प्लेयर्स ने फिनिश आउट कर दिया स्क्वाड नंबर 12 के सॉरी स्क्वाड नंबर 8 के डुओ को विदाउट एनी कैजुअलिटी। उनका एक प्लेयर बुलेट को नॉकआउट मिला था बट अभी के लिए बुलेट को भी इजीली रिवाइवल मिल जाएगा। टीम्स की बात करते हैं टॉप 12 टीम्स एंड 41 प्लेयर्स आर अलाइव। बात करते हैं स्क्वाड नंबर 12 के बीस्ट माइकी एंड अभी के लिए उनके टीममेट सॉरी बुलेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है क्योंकि उनके फोर्थ प्लेयर हे ब्रो फॉरगिव नो इट। अरे ब्रो आपसे मैं एक सॉरी मांगना चाहूँगा ब्रो, ध्रो ब्रो एक बात मेरी बात सुना यार ब्रो, आई एम रियली सॉरी। मैंने रियलाइज़ कर यार दोबारा कि मतलब आपने मेरे को कुछ गाली वाली नहीं दिया ना, मैंने आपको बेफालतू में 2-3 गालियाँ दे दी। सो आई एम रियली बहुत ज़्यादा सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि मैंने रियलाइज़ करा बाद में कि मतलब मैं हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने कितना ज़्यादा गालियाँ दे दिया, कितना ज़्यादा गलत बोल दिया, क्योंकि उस टाइम पर मतलब मेरे को गुस्सा आ रहा था यार क्या कोई ऐसे हीट वीट कैसे दे रहा है मतलब। सो आई एम रियली सॉरी, आपको मेरी कास्टिंग अच्छी नहीं लगी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करूँगा बिल्कुल। टीम 15 दिखा दो प्लीज़ बिल्कुल।
बट ध्रुव ब्रो आई एम रियली 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 बहुत ज़्यादा सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी, बिकॉज आपने मेरे को कुछ भी नहीं बोला, आपने मेरे को एक वर्ड गलत भी नहीं बोला जब मैंने गाली दी उसके बाद भी. सो ये आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात है. एंड आपने मेरी स्ट्रीम को भी डिसलाइक नहीं करा, मैं यही देख रहा हूँ कब से यार, कि आपने ना मेरी स्ट्रीम को डिसलाइक करा एंड ना मतलब मेरे को गाली दी. मैंने आपको इतनी दो तीन गालियाँ, दो तीन से भी ज़्यादा ही, बट आपने मतलब यार आपने मेरी आँखें खोल दी टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा मतलब. सो आई एम रियली रियली सॉरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना. आई नो माफ़ करना थोड़ा मुश्किल है, बट कह था सिल्वर ने बहुत तरह ड्रीजी के ऊपर क्लोजिंग कर दिया. ड्रीजी वो से सिल्वर वन वन सिल्वर को बैठा है, सिल्वर ने स्पॉट रखा ड्रीजी को बैठा, बट कह था सिल्वर ने बहुत बड़ा ड्रीजी को नॉकआउट दिया. बिल्कुल सिल्वर ने ड्रीजी को नॉकआउट दिया, बट उनके टीम बेटा करना ने ट्रेड फायर में सिल्वर को नॉकआउट करके फुल फुल फिनिश आउट कर दिया. बट कहता रियूस ने बहुत तरह स्कोर टू के प्लस ने स्कोर 15 के प्लस को फिनिश आउट तो कर दिया, बट अपने टीम बेटा डीमन लियो की कैजुअलिटी देनी पड़ जाएगी. अरे ब्रो आई एम रियली सॉरी यार, कि मतलब मैंने आपको गालियाँ दिया एंड उसके बाद भी आपने मतलब कुछ ना स्ट्रीम डिसलाइक करी ना मुझे रिटर्न में गाली दी. एंड आई एम रियली रियली सॉरी, हीट ऑफ द मोमेंट में निकल गया एंड मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ टू बी ऑनेस्ट. अभी से 17 साल का हूँ एंड आप मेरे से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़े हो. सो प्लीज़ आई एम रियली रियली सॉरी, जितना हो सके मेरे को माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हीट ऑफ मोमेंट में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया. उतना बोलने का था नहीं, मतलब आपने बस विदाउट गाली दे मेरे को कुछ नहीं बोला एंड मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया. सो एज अभी थर्ड वाले ड्रॉप में ए डब्ल्यू मार रखी है, बट आ स्कोर नंबर वन के प्लस के जस्ट मुंह पे ए डब्ल्यू, बट अभी आई डोंट नो उन्होंने ए हमारे एयर ड्रॉप को नहीं लूटा. आई डोंट नो वो जोन के अंदर रोटेशन कर रहा है. ए डब्ल्यू आई थी फ्री की ए डब्ल्यू ले सकते थे, बट आई डोंट नो उन्होंने क्यों नहीं लिया. मतलब स्कॉडो वन के प्लस ने स्कॉडो में टू के प्लस को स्पॉट आउट कर दिया, कंटिन्यूसली नॉकआउट देने के ट्राई कर, बट अभी स्कॉडो में टू के प्लस कवर में चले गए. बट स्कॉडो वन वर्सेस स्कॉडो में टू के प्लस के फाइट के बीच में जोन थर्ड पार्टी करता है दिखा देगा. सो ब्रो आपका एक सेकंड में कमेंट पढ़ता हूँ. बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्दर जर्नी. तो ओशन शर्मा बनेगा? अरे नहीं ब्रो ये ज़्यादा हो गया, ओशन शर्मा नहीं बन पाऊँगा. मैं भी 17 का हूँ ब्रो, बट ब्रो टू बी ऑनेस्ट ठीक है ये सब मजाक है, बट सच बोलूँगा ठीक है. आपको लग रहा होगा मैं मतलब मजाक है झूठ बोल रहा हूँ, बट मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है अभी, क्योंकि मैंने आपको बेफालतू में लिटरली मतलब आपने कुछ बोला ना बात, आपको मतलब बेफालतू मैंने बेफालतू में इतनी ज़्यादा गाली दे दिया. एंड आई डोंट नो क्या ही मतलब क्या ही मेरे दिमाग में चढ़ा है एंड बहुत ज़्यादा गंदा गंदा बोल दिया. एंड चलो ये तो ठीक है, अगर मैं किसी को ही बोलता ना भाई वो मेरे को बंदा सीधा 20-30 गालियाँ देता, स्ट्रीम को डिसलाइक करता, अपने पूरे ख़ानदान से स्ट्रीम को डिसलाइक करवाता एंड नाम ख़राब करता मेरा ऑब्वियसली जितना कर सकता. बट आप भाई भगवान हो यार सच में, आपने मतलब लिटरली एक वर्ड नहीं बोला मेरे को, एक गंदा वर्ड, स्ट्रीम को डिसलाइक तक नहीं करा एंड कुछ नहीं करा. तो भाई आई एम रियली रियली सॉरी ध्रुव ब्रो, आज आपने मेरे को एक बहुत बड़ा लेसन पढ़ा दिया एंड टू बी ऑनेस्ट मेरी आँखें खोल दी भाई आज आपने यार. सो जितना हो सके मेरे को माफ़ कर देना. आई नो माफ़ करना थोड़ा बहुत बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल रहेगा, बट यार जितना हो सके प्लीज़ 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 माफ़ कर देना. मतलब डेल्टा ओपी ने बहुत बड़ा ब्लड को ब्लड बुलेट को एक नॉकआउट दे दिया. स्क्वाड नंबर 12 वो ऐसे स्क्वाड नंबर 1 के बेस्ट का फाइट स्टार्ट हो चुका है. बात करिए डेल्टा ओपी ने ओपनिंग निकाल दिया स्क्वाड नंबर 12 के, दो प्लेयर्स को नॉकआउट देकर फुल फुल फिनिश आउट कर दिया. बीस्ट इज लास्ट मैन स्टैंडिंग, टीम सोलो ऐसे स्क्वाड खेल रहे हैं अभी के लिए, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप रखा है बीस्ट के ऊपर. जोन के अंदर रोटेशन करनी है, एक भी फर्स्ट एड नहीं है एंड विदाउट हीलिंग जोन के अंदर कैसे ही रोटेशन कर पाएंगे आई डोंट नो. बीस्ट थैंक्स ब्रो कोई ना. अरे ब्रो बट ठीक है ब्रो कोई ना. अरे ब्रो फिर भी यार मतलब मेरे को अब बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, मेरे को अब पता चला कि मतलब मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में क्या ही कर दिया.
बात करते हैं स्क्वाडन वन के अभी मैं जोन के द्वारा ही नॉकआउट बात करता हूँ अभी के यश को नॉकआउट मिलेगा नहीं यश को बात करते हैं यश को अभी के आई डोंट थिंक रिवाइव मिल पाएगा क्योंकि डेल्टा ओपी के आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जल्दी कम हो रहा है डेल्टा ओपी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यश भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एंड स्क्वाडन वन के वुल्फी की फर्स्ट एड यहाँ बिल्कुल एंड टाइम पे लग गए स्क्वाडन वन के बस खासा हीलिंग्स का नहीं है इवन उनके कार में यहाँ फ्यूल भी नहीं तो आई डोंट थिंक वुल्फी कैसे ही सर्वाइव करेंगे स्क्वाडन वन के बस को भी बिल्कुल जोन के दौरान फिनिश आउट होना पड़ेगा क्योंकि वुल्फी के पास यहाँ बिल्कुल भी हीलिंग्स हैं एंड टाइम पे दो फर्स्ट एड मिले उनको फटाफट से अपनी फर्स्ट एड पॉप आउट करनी चाहिए वरना बहुत ज्यादा वुल्फी को फिनिश आउट मिल जाएगा बात है ना वुल्फी की एक और फर्स्ट एड पॉप आउट हो जाएगी अभी के लिए लास्ट फर्स्ट एड एंड एक लास्ट मेड किट एंड जोन के अंदर 400 मीटर जोन के अंदर जाना तो वुल्फी तो यहाँ बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अभी के लिए वुल्फी को हील बैटल ट्राई करनी चाहिए क्या पता अपने स्क्वाड को टॉप मिले एट स्क्वाड में 17 प्लेयर्स करते हैं स्क्वाड में 17 वो वर्सेस स्क्वाड में 2 के रियूस वो वर्सेस लोन वुल्फ के बीच वन वर्सेस वन की फाइट हमें यहाँ देखने को मिलेगी किसी के पास भी कोई भी एडवांटेज डिसएडवांटेज या कैजुअलिटीज अभी के लिए हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही यहाँ बात करें लोन वुल्फ ने एक नेड करा रियूस के ऊपर बट अभी के लिए बात करें रियूस के एचपी की बात करें रियूस के एचपी 50 हो रखा है मतलब ऐसा ब्लेड ने बहुत ज्यादा फॉल्टी डीमन को नॉकआउट दिया है अभी के लिए बात करें वुल्फी वुल्फी सर्वाइव कर रहा है वुल्फी की बात करें वुल्फी का अभी कार यहाँ स्टार्ट हो चुका है वुल्फी अभी के लिए 30 एचपी बच रहा है लेट्स गाइस वुल्फी सर्वाइव कर पाते नहीं एंड गाइस अगर वुल्फी ने सर्वाइव कर लिया तो बहुत ज्यादा अच्छी बात रहेगी वुल्फी बिल्कुल बिल्कुल 5 एचपी पे वुल्फी ने सर्वाइव कर लिया कैसे ना कैसे करके बट अभी के लिए एक भी फर्स्ट एड हमारा स्क्वाड वन की वुल्फी के पास दिखाई नहीं दे रही है पर मैं सच में टी1 खेलता हूँ PNX EXE वाला ओके ब्रो ऐसा करो ब्रो मेरे को WhatsApp पे DM ही कर दो मतलब नहीं WhatsApp पे DM करके मैं क्या करूँगा बट ब्रो अगर आपको कभी भी मतलब यार चलो मैंने आपको ठीक है मैं आपको अब मैंने गलती करी आपको मतलब मैंने आपको गाली दी तो मैं उसके एक रिटर्न में आपको एक फेवर देना चाहूँगा मेरे को इस वाले नंबर पर DM करो मैं ट्राई करूँगा कि आपको कुछ अच्छी स्क्रीम्स एंड टूर्नामेंट दिलवा दूँ जितना हो पाएगा मैं ट्राई करूँगा क्योंकि यार मैंने गलती करी है आपके साथ एंड बहुत गंदा गंदा बोला एंड आपने कुछ नहीं बोला तो मतलब मेरा कुछ बनता है यार आपको इन रिटर्न फेवर देने का एंड छोटा सा मतलब मैं कुछ करने के लिए ट्राई करूँगा आप बस इस नंबर पर मेरे को WhatsApp पे DM करो इन फ्यूचर में ज़रूर आपकी एक बार तो मिनिमम हेल्प करना बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूँगा स्क्वाड नंबर 17 के लोन वुल्फ को अब के 5 एचपी कर देंगे स्क्वाड नंबर 6 के प्लेयर्स के ऊपर स्लैम इन कर देंगे लोन वुल्फ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वो अभी के लिए कहाँ जा रहे हैं बट अब के लिए लोन वुल्फ को काफी ज्यादा डैमेज दे देगा 5 एचपी कर देगा लोन वुल्फ को लोन वुल्फ का जोन के अंदर भी रोटेशन करना है बात करें जोन एक मिनट में बात करें आतंकी ने एक दिव्यांशु को एक बहुत बड़ा नॉकआउट दिया स्क्वाड नंबर 3 के प्लेयर्स करें नॉट योर वॉट का फुल फिनिश आउट कर देगा स्क्वाड नंबर 3 के टॉक्सिक इज लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑफ टीम लेट्स यहाँ टॉक्सिक कैसे सर्वाइव कर पाते जोन के बिल्कुल सेंटर में विदाउट एनी कवर ओनली एंड ओनली एक स्मोक का कवर एंड स्क्वाड नंबर 9 के प्लस कंटिन्यूसली स्क्वाड नंबर 3 के प्लस को फिनिश अप करने की ट्राई करेंगे एंड अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो मतलब मेरे पास आते हैं यार टीम्स जिनको मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिनको एक परफॉर्मिंग टीम चाहिए होती है फॉर स्पॉन्सरिंग सो हो पाएगा तो मैं आपको एक स्पॉन्सर भी दिलवाने की ट्राई कर सकता हूँ मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ जिनको एक परफॉर्मिंग एंड अच्छा लाइनअप चाहिए होता है तो आपका लाइनअप अच्छा है तो मैं ज़रूर स्पॉन्सर दिलाने की ट्राई करूँगा बट उससे पहले मैं टूर्नामेंट एंड स्क्रिम्स तो बात करिए जब बिलीव ने लिख माई बॉल को एक बहुत बड़ा फिनिश आउट देता है बिलीव के ऊपर एक और बार नजर बनते जब करिए टोनी ने अभी क्या लोन वुल्फ को स्पॉट कर लिया लोन वुल्फ से लोन वुल्फ को टोनी ने इजिली फिनिश आउट कर दिया विदाउट एनी कैजुअलिटी स्क्वाड नंबर 6 से टोनी के पास अब क्या हम भी अभी के लिए हमें 2 किल्स दिखाई दे रहे हैं बात करते हैं स्क्वाड ना इट्स ओनली एंड ओनली बिटवीन टॉप 5 टीम स्क्वाड नंबर 3 के एंड टॉक्सिक सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा है विद 4 किल्स बात करते हैं टॉक्सिक ने स्पॉट आउट करा स्क्वाड नंबर 9 प्लस को बट टॉक्सिक को अभी के लिए 40 एचपी का दिया एंड स्टार एक्स ने बिल्कुल हां स्क्वाड नंबर 9 प्लस ने टॉक्सिक स्क्वाड नंबर 3 के प्लस को इजीली फिनिश आउट किया बट बात करते हैं स्क्वाड नंबर 19 के प्लस में थर्ड पार्टी करती दे रहा स्क्वाड नंबर 9 के बात करते हैं स्क्वाड नंबर 10 के प्लस के पास सबसे ज्यादा एडवांटेज है बात करते हैं स्टार एक्स को टॉर्क के द्वारा 1 एचपी कर दीजिएगा सॉरी मैं क्या ही बोल रहा हूँ स्क्वाड नंबर 10 के प्लेयर्स के ऊपर अभी के लिए सबसे ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि चारों के चारों प्लेयर्स आतंकी ने बहुत ज्यादा प्रो के नाइटमेयर को भी नॉकआउट किया नाउ इट्स ओनली एंड ओनली बिटवीन टॉप 3 टीम्स स्क्वाड नंबर 11 के तीनों प्लेयर्स अलाइव विद 4 किल्स स्क्वाड नंबर 10 के चारों के चारों प्लेयर्स अलाइव विद 3 किल्स स्क्वाड नंबर 9 के 3 प्लेयर्स अलाइव विद 11 के सब इकले स्टार एक्स को नॉकआउट देखा उनके टीम में आतंकी अपने टीम का रिवाइवल देने की फुल ट्राई करेंगे
अभी के लिए जोन का सेंटर है, स्क्वाड नंबर 9 के प्लस ने होल्ड कर रखा है। स्क्वाड नंबर 9 के प्लस के अलावा स्क्वाड नंबर 10 एंड स्क्वाड नंबर 11 के प्लस हमें जोन के अंदर नहीं दिखाई दे, तो डिसएडवांटेज बिल्कुल बिल्कुल स्क्वाड नंबर 10 के प्लस के ऊपर हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए बात करते हैं स्क्वाड नंबर 11 एंड स्क्वाड नंबर 10 दोनों के दोनों लाइनअप को जोन के अंदर रोटेशन करने है, बट इस टाइम पे जोन को कैप्चर कर रखा है स्क्वाड नंबर 9 के प्लस ने। फोर किंग एंड गोल्ड ड्यूटी को क्या है अच्छा के लिए, अरे भाई फिर तो आपको स्वांस मिलाना दिलवाना और इजी होते रहेगा यार। टॉर्क ने सॉरी यश ने टॉर्क को एक बहुत बड़ा नॉकआउट एंड फुल फुल फिनिश आउट किया। अगर आपने देखो इतनी बड़ी बड़ी टीम्स को वाइप आउट करा है तो फिर और अच्छा रहेगा, स्वांस दिलवाने में और ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है स्पॉन्सर की थोड़ी बात की बात है, बट उससे पहले मैं टूर्नामेंट एंड स्क्रिम्स तो बिल्कुल बिल्कुल आपको दिलवाने की ट्राई करूँगा, जितना मेट्स हो पाएगा उतना ट्राई करूँगा। स्क्वाड नंबर 9 के साथ तो ऐसे स्क्वाड नंबर 9 की यश को पता कंटिन्यूसली स्क्वाड नंबर 11 के पास नीड करना मत करे। अभी के लिए यश को सर्वाइव करना काफी ज्यादा हार्ड हो रहा है क्योंकि स्क्वाड नंबर 11 के प्लेयर्स ने यश को स्पॉट आउट कर रखा है। स्क्वाड नंबर 10 की बात करें स्क्वाड नंबर 10 के टॉर्क को नॉकआउट करेगा सोहिल एंड ब्लेड, अभी के लिए डुओ से स्क्वाड खेल रहे हैं। लेट्स सी वो लोग बात करें सोहिल को बात कर बिलीव के द्वारा नॉकआउट मिलेगा। ब्लेड इज लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑफ टीम अगेंस्ट स्क्वाड नंबर 9 के टीम प्लस एंड स्क्वाड नंबर 11 की बात करें एनएल ने बहुत यश को नॉकआउट देकर फुल फुल फिनिश आउट किया। बिलीव की बात करें बिलीव क्लोजिंग कर रहा है, बिलीव के टीम डाल लूसिफर को नॉकआउट एनएल को भी नॉकआउट किया। बिलीव इज लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑफ टीम अगेंस्ट स्क्वाड नंबर 9 का डू, लेट्स सी कैन कैच बट उससे बात करें स्टार एक्स को ब्लेड के द्वारा बट पार्टनर्स का स्कोर क्या हो रहा है स्क्वाड नंबर 9 प्लस स्क्वाड नंबर 10 के प्लस को काफी ज्यादा करें स्क्वाड नंबर 11 के बिलीव ने बहुत किया स्टार एक्स को नॉकआउट देना इट्स ओनली एंड ओनली विद इन आतंकी वो वर्सेस बिलीव वन वर्सेस वन की फाइट है। किसी के पास भी कोई भी एडवांटेज डिसएडवांटेज या कैजुअलिटीज अभी के लिए नहीं, बट अभी के लिए लेट्स सी वन वर्सेस वन की फाइट रहने वाली है। स्क्वाड नंबर 11 का अगर बिली वाला चिकन लेके जाएंगे तो पूरे बोले 7 किल्स का चिकन लेके जाएंगे एंड अगर स्क्वाड नंबर 9 के प्लस ने चिकन लिया तो गाइस आतंकी के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल स्क्वाड नंबर 11 के बिली का काफी ज्यादा बेहतरीन मैच चिकन देखने को मिला। फुल फुल डोमिनेटिंग चिकन निकाला, फुल बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग हमें गेम प्ले देखने को मिला एंड काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने फाइट्स ली एनिमीज के अगेंस्ट एंड काफी ज्यादा डोमिनेटिंग चिकन निकाला। सो गाइस आज की स्ट्रीम में बस इतना ही, आपको मिलता है हमारी कल की स्ट्रीम में। कल के मैचेस के बारे में बता दूं, कल के मैचेस भी आपको 10 बजे से देखने को मिलेंगे, ऐसे ही 3 मैचेस होंगे। सो कल मिलते हैं, टिल देन बाय।